ओके नाउ तुम लोग का जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस होगा इट इज नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली श्वाइजर के पीछे का जो बुक का क्वेश्चंस है उसके जैसा नहीं होगा. तुम लोग का बुक में जो एग्जांपल्स दिया हुआ है दैट इज टू एक्सप्लेन यू द कंटेंट. जो बुक का एग्जांपल्स है दे आर ट्राइंग टू मेक द बुक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. दैट इज वन. दूसरा बुक के पीछे जो क्वेश्चंस है वो काफी सिंपल है. तुम्हारा सारा क्वेश्चन जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो उस लेवल का नहीं आएगा. तुम लोग के पास बुक के पीछे क्वेश्चन है उसके बाद में यू हैव क्वेश्चन इन प्रैक्टिस बुक वन एंड प्रैक्टिस बुक टू. फर्स्ट डे में बताया था कि ये इज रिलेटिवली इजी, ये रिलेटिवली डिफिकल्ट है. तुम लोग को जब प्रैक्टिस करना है सपोज क्वांट खत्म हो गया, क्वांट खत्म होने के बाद में प्रैक्टिस बुक वन टू में छह पेपर दिए, तीन पेपर तो ट्राई करना कि इस ऑल्टरनेट पेपर्स करने का, या सबका मॉर्निंग कर लिया या सबका आफ्टरनून कर लिया, ताकि थ्री मतलब डेढ़ पेपर इजी हुआ डेढ़ पेपर डिफिकल्ट हुआ. तीन मॉर्निंग किया तो आधा आधा पेपर हुआ ना, तीन का तो डेढ़ पेपर हो गया, और इसका तीन किया तो डेढ़ पेपर हो गया. तो तीन पेपर ट्राई करना साथ में प्रैक्टिस करने का, और जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तब मे बी वन डे वन पेपर, अनादर डे अनादर पेपर करके कम से कम चार या पांच पेपर सॉल्व करके जाना है. छह तो बेयर मिनिमम शुड बी अ फोर और अ फाइव. ट्राई टू डू थ्री पेपर्स विद योर सब्जेक्ट एंड दो तीन चार सब्जेक्ट होगा जिसमें मैं बोलूंगा पूरा का पूरा छह पेपर आज ही कर लो. लाइक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट एक घंटा में सारा पेपर हो जाएगा. नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम है एंड डिफिकल्ट है, मतलब रिक्वायर्ड है. डेरिवेटिव में बोलूंगा सारा का सारा क्वेश्चन एक बार में कर लो, तो वो चीज कर लेंगे अपने. सो अगेन क्लास में अगर अपना कुछ डिफिकल्ट हो रहा है तो ये मत सोचना कि लेवल उतना नहीं आएगा डिफिकल्ट. उतना मे भी नहीं आए बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड ना, फिर एग्जाम इजी लगेगा. थोड़ा सा अच्छा लेवल का प्रैक्टिस करेंगे एंड यू नॉट बी स्कैर्ड, क्योंकि थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे उन्नीस इक्कीस क्वेश्चन देगा यू विल नॉट बी इन अ प्रॉब्लम. उससे ऊपर तो नहीं आना चाहिए, आना नहीं चाहिए. एग्जाम पेपर मैं सेट करता नहीं हूँ और कोई बोल नहीं पाएगा. बट इन जनरल व्हाट वी आर डूइंग इज मैक्सिमम इन डेप्थ जो कर सकते हो, उससे ज्यादा डेप्थ में जाने का पॉसिबिलिटी नहीं है. बिकॉज़ यू आर प्रूविंग एवरी फॉर्मूला, यूनिटरी मेथड लेवल तक जाके फॉर्मूला को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो उससे ज्यादा बेसिक तो नहीं कर पाओगे ना, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा. बट वो सब छोड़ो, मतलब ये मत सोचो कि श्वाइजर इजी है तो ये क्लास में इतना एक्स्ट्रा क्यों हो रहा है एंड ऑल. एक्स्ट्रा कुछ नहीं हो रहा है, वी आर कवरिंग एवरीथिंग वेरी थॉरली. That's good ना, so don't you think you are confident, more confident on the ground? अगर जल्दी हो रहा है और बोलो बी डी वाई का तुम्हारा भी ये तुम्हारा हो गया वही वाला डाउट था. और कुछ एक और क्वेश्चन करते हैं. लेट्स से वी विल स्टार्ट विद द बी डी वाई क्वेश्चन, देन वी विल गेट बैक टू प्रोबेबिलिटी का बेस थ्योरम का क्वेश्चन. तो पहला लो, लेट्स से बी डी वाई इज इक्वल टू
उसके बाद क्या है? बी वाई क्या होता है बताओ? वो ई वाई होता है। बी वाई क्या होता है? बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड, सेमी एनुअल, एक्स परसेंट पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। एक रुपया एक्जैक्टली छह महीना में क्या होगा? उसका इंटरेस्ट पार्ट का डबल हो गया। पता नहीं, करूंगा मन से दिया सब। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो डीडीवाई का मतलब क्या है, 4.8% मतलब 360 डे का 4.8% है, मतलब 90 डे का डिस्काउंट कितना होगा? 90/360 × 4.8 दैट इज 1.2%। यहाँ पे जो वन में है वो 1.2% डिस्काउंट पे है, इसका मतलब वो आज 0.988 पे होगा। 991 गलत है, 0.988 पे होगा ना, 1.2% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं। तो टाइम जीरो पे अगर आपको, मतलब टाइम 90 पर जो बिल फेस वैल्यू वन का होगा, दैट वुड बी ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट ऑफ 1.2%। बीडीवाई का मतलब यही हुआ ना, 4.8% इज योर एनुअलाइज्ड डिस्काउंट फॉर 360 गिवन इज अ 90 डे बिल। तो 90 डे बिल का डिस्काउंट, बिल वुड बी ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट ऑफ 1.2% फॉर एवरी वन फेस वैल्यू, द बिल विल बी ट्रेडिंग एट अ 1.2% डिस्काउंट, राइट? ये आ गया, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। ये आ गया एक बात, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। यू नो योर प्रिंसिपल, यू नो योर फेस वैल्यू, अब तो कुछ है ही नहीं। तुम्हारा P0 P1 पता चल गया, तुमको BY निकालना है, MMY निकालना है। BY देखते हैं पहले, एक रुपया कितना बनेगा? 1.988 बिकम्स 1 इन 90 डे, सो 1 रुपी बिकम्स हाउ मच इन 90 डे टाइम? 1/0.988, 0.988 डालते हो तो 1 बनता है, तो यहां अगर 1 डालोगे तो वो कितना बनेगा? 1/0.988 टाइम्स, राइट? ठीक है, मतलब दिस इज वॉट 1 रूपी बिकम्स इन 90 डेज, वॉट विल इट बिकम इन 1 ईयर? 365/90, वॉट विल इट बिकम इन हाफ ईयर? टू द पावर हाफ, दैट इज वॉट 1 रूपी बिकम्स इन 1 ईयर। अपने को क्या चाहिए? बी वाई। बी वाई क्या होता है? सेमी एनुअल कंपाउंडिंग। 1 बिकम्स 1.06, 1.06 स्क्वायर, 1.06 स्क्वायर तुमको ई ए वाई देता है। इसका मतलब क्या है? 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। बी वाई का मतलब क्या होता है? 1 प्लस बी वाई बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ई ए वाई। वही हुआ ना इसका मतलब, एक रुपया अगर कंपाउंडिंग सेमी एनुअल है तो 1.12/0.06 स्क्वायर इज वॉट 1 रूपी बिकम्स इन 1 ईयर, राइट? दैट इज 1 प्लस ई ए वाई, या ई ए वाई इसको 1 माइनस इधर ले आओ, कैसे भी कर लो, जैसे तुमको समझ में आता है वैसे करो। अगर मैं बोलता हूं 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, इसका मतलब क्या होता है? 1.06 स्क्वायर माइनस 1 विल बी योर ई ए वाई। हुआ क्या एक साल? बी वाई क्या हुआ? 1 बिकम्स 1.06 स्क्वायर,
मतलब क्या, एक रुपया इफेक्टिवली छह महीना में कितना बन रहा है, उसका इंटरेस्ट पार्ट का डबल इस 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। बी वाई इज नथिंग बट एक्स परसेंट पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। एंड ऐसा क्यों चाहिए हम लोग को? ऐसा इसलिए चाहिए हम लोग को क्योंकि बॉन्ड जो है वो सेमी एनुअल बेसिस पर कूपन देता है, तो मेरा जो यील्ड कैलकुलेट होना चाहिए वो भी सेमी एनुअल बेसिस पे होना चाहिए। सिंस बॉन्ड कूपन सेमी एनुअल दे रहा है, तो योर कंपाउंडिंग ऑफ कैश फ्लो शुड बी ऑन अ सेमी एनुअल बेसिस, राइट? इसीलिए बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड इज अ सेमी एनुअल बेसिस यील्ड। तो एक रुपया एक साल में इतना होगा, आधा साल में इतना होगा, उसका इंटरेस्ट पोर्शन का डबल इज योर आंसर। तुम लोग को अगर डायरेक्टली करने में तकलीफ हो रहा है तो दिस विल गिव यू ई वाई, इससे ई वाई निकलेगा, फिर उसके बाद में वही करना वन प्लस ई वाई टू द पावर हाफ माइनस वन इंटू टू। फॉर्मूला मगर करना तो ये करोगे कि एक रुपया एक साल में इतना बन रहा है, आधा साल में कितना बनेगा टू द पावर हाफ, उसका इंटरेस्ट पोर्शन कितना हुआ ये, उसको डबल। बी वाई इज नथिंग बट एक्स परसेंट पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। और अगर कंफ्यूजन होता है ना, जेन्युइनली आई एडवाइज, से फॉर एग्जांपल टेक 14% पर एनम रेट, 14% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, उसको लेकर के खुद बी वाई ए वाई का डेफिनेशन ये डिराइव करो। पहले लिखोगी 1.14 14% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, देन राइट ई ए वाई इज इक्वल टू व्हाट, 1.107 होल स्क्वायर माइनस 1, नंबर से तो समझ में आ रहा है। उसके बाद सब्स्टिट्यूट करो, 1.07 होल स्क्वायर कैसे है, 1 प्लस 0.07 होल स्क्वायर, 0.07 कैसे है, 0.14 डिवाइड बाई 2, दैट इज बी वाई बाई 2। ट्राई टू डिराइव दिस फॉर्मूला योरसेल्फ, दो बार तीन बार एग्जांपल लेके ड्राइव करो, अपने आप होगा सम, छोड़ना मत इसको, मतलब डोंट गिव अप। बोलो क्लियर? देखो ये वाला समझ में आया क्या, इससे आएगा बी वाई का आंसर। बताओ कितना आ रहा है, सबका सेम आ रहा है कि नहीं? 4 पॉइंट तो नहीं आया, अच्छा हाँ 4 पॉइंट ही आएगा, ठीक है 4.954 आया, सॉरी 4.954 आया। क्या प्रॉब्लम होगा, आंसर सेम आएगा? डेसिमल्स ले रहे हो, चार डेसिमल प्लेस कम से कम लेके करना, एंड ट्राई करना कि लिखना नहीं पड़े नंबर कैलकुलेटर पे, प्लस माइनस ब्रैकेट लगा लगा के, मतलब यू डोंट हैव टू पुट इन द नंबर 0.9582 और समथिंग, ट्राई टू यूज कि पूरा का पूरा कैलकुलेटर में डायरेक्टली हो जाए ये वाला। अब तुम लोगों के पास तो कैलकुलेटर आ गया, ये वाला अगर कैलकुलेट करना है डायरेक्टली कैलकुलेटर से कैसे करेंगे? 0.988 लिखोगे, देखो 1/x करके कैलकुलेटर पे एक बटन है, देर इज, देखो कैलकुलेटर भी सीखो आप, 1/x करके एक बटन है कैलकुलेटर पे, मतलब जो भी स्क्रीन पे होगा ना उसका रेसिप्रोकल कर देगा, तो 1/0.988 की जगह 0.988 1/x करूंगा, ऑटोमेटिकली इट्स रेसिप्रोकल। उसके बाद में टू द पावर 365/90 इंटू हाफ करना है, आई नो इट इज 365/180, थोड़ा सा दिमाग भी यूज करना, हर जगह कैलकुलेटर नहीं यूज करना है। टू द पावर में देखो वाई बाई एक्स, 9 के ऊपर में एक बटन है वाई बाई एक्स, सो एनीथिंग टू द पावर एनीथिंग करना है, तो एनीथिंग वाई बाई एक्स एनीथिंग इक्वल्स टू, सो 2 to the power 4 करना है, सपोज 2 to the power 4, 2y/x 4 इक्वल टू, दैट इज द आंसर। सो दिस जो भी स्क्रीन पे है ये वाला पार्ट है टू द पावर, लेकिन अब 2 to the power 365/90 करना है, 2 to the power 365/180 करना है, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा। आई वॉन्ट टू डू टू द पार द होल ऑफ 365/180, राइट? ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट दिखेगा नहीं, अनलाइक योर साइंटिफिक कैलकुलेटर यू विल नॉट बी एबल टू सी ब्रैकेट, बट ब्रैकेट प्रेस किया ना, ब्रैकेट खुल चुका है, बार बार मत प्रेस करना, 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट खुल जाएगा, इट वर्क दैट वे। 365/180 इक्वल टू मत करना, ब्रैकेट क्लोज करोगे तो ये ब्रैकेट के अंदर का पार्ट दिखेगा, मतलब अभी क्या हुआ है, सो 1.012 समथिंग वॉज देयर, दैट y by x ब्रैकेट ओपन 365/180 किया, ब्रैकेट क्लोज करोगे तो इसका आंसर स्क्रीन पे दिखेगा, इक्वल टू करोगे तो दिस बाय दिस का आंसर दिखेगा। ट्राई एंड अंडरस्टैंड योर कैलकुलेटर, यू विल बी यूजिंग दिस कैलकुलेटर फॉर 3 levels। जितना कैलकुलेटर से दूर भागोगे ना कि नहीं हम लिख लिख के कर लेते हैं, वो वाला काम मत करना, बिकॉज देयर बी मच मोर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस टू वर्क ऑन द कैलकुलेटर, एंड टाइम है ना, मेंटल मैथ्स करना है तुमको तो ऑप्शन मार्क करने का है, स्टेप्स तो दिखाने का नहीं है, तो फिर एंड एक्यूरेसी बढ़ेगा ना इस पर करने से, क्योंकि 6 डेसिमल प्लेस पूरा रहेगा,
तुम लिख लिख के करोगे तो दो डेसिमल प्लेस, चार डेसिमल प्लेस लिख के करोगे, एंड जब यूज करना है तुमको फिक्स इनकम पोर्टफोलियो में कैलकुलेटर इतना एक्सटेंसिवली, सो वाई नॉट लर्न इट प्रॉपरली फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, तो कैलकुलेटर में कभी भी आलस मत करना। तो ये जो वैल्यू हुआ दिस, ये 2.02 आया, दैट इज ये ब्रैकेट वाला पार्ट, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इक्वल टू प्रेस किया तो आंसर आया 1.024783 माइनस 1 इक्वल टू, ये पार्ट आया अंदर का, इंटू 2, ये आंसर इज 4.9565%, इट्स 0.049565, दैट 4.9565%। अब इंटू 100 करने मत बैठना हमेशा यार, देखो क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, तुम लोग जितना भी सब्जेक्ट्स है सब में वन का बेस पकड़ के करोगे इन ऑल द प्लेसेस, एंड वन का बेस पकड़ के करोगे तो पॉइंट के बाद जो भी आएगा वो तुम्हारा परसेंटेज वाला चीज है। सो गेट कंफर्टेबल कि 0.07 समथिंग इज 7. समथिंग परसेंट, समझ रहे हो? थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करो एंड यू विल गेट दैट हैबिचुएटेड, मतलब डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड। नहीं समझ में आता है मैथ्स में क्या है, मैथ्स वाला पार्ट में, नॉट एक्जैक्टली मैथ्स, वी आर डूइंग क्वांट्स, बट मैथ्स में, मैथ्स जैसा चीज में क्या होता है ना, होता है तो अच्छा लगता है, नहीं होता है तो इरिटेशन होकर छोड़ने का मन करता है, दैट इज हाउ इट वर्क। फाइनेंस में ट्राई टू लीव द सब्जेक्ट फॉर हाफ एन आवर, गेट बैक टू इट, जो भी प्रॉब्लम होता है गेट बैक टू मी आफ्टर क्लास, आफ्टर क्लास, बिफोर क्लास, आस्क मी ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, कॉन्सेप्ट में कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए, दिस पार्ट इज क्लियर। एमएमवाई कैसे निकलेगा, 0.988 वन डे 90 डे में इतना बनता है, 80 डे में कितना बनेगा, 80 by 90, दैट इज वॉट। अच्छा बाकी रेज करता हूं पहले, सो वन बिकम्स 1/0.988 इंटू 80/90, राइट? मतलब मेरा एमएमवाई क्या होता है, P1 - P0 बाई P0, नॉट P1, डिस्काउंट नहीं है, रिटर्न है। ये होल्डिंग पीरियड यील्ड आया, होल्डिंग पीरियड यील्ड कितना दिन का आया, खत्म। एमएमवाई इज उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी का सिंपल इंटरेस्ट निकालो और उसको 360 डे बेसिस पर, सिंपल इंटरेस्ट बेसिस पर एनालाइज करो। एमएमवाई क्या है, इंटरेस्ट निकालो, सिंपल इंटरेस्ट निकालो, बेसिकली होल्डिंग पीरियड यील्ड निकालो, तो 80 डे का एसपीवाई निकला ना ये, दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद 80 डे। बीडीवाई से नहीं कर सकता ना, बीडीवाई डिस्काउंट है, तुम यहां पे जो रिटर्न कैलकुलेट किया वो एज अ परसेंटेज ऑफ P0, डिस्काउंट इज अ परसेंटेज ऑफ F, एंड दूसरा वो डिस्काउंट इज फॉर 90 डे कंपाउंडिंग। सुनो, तुमको जो दिया है दैट मीन्स दैट कंपाउंडिंग हैपेंस एवरी 90 डे। मेरे को वैल्यू यहां पे चाहिए, कंपाउंडिंग यहां नहीं होता है, तो मेरे को यहां का रेट अलग से निकालना पड़ा, यहां का वैल्यू 2/90 80/90 करके। बीडीवाई का मतलब क्या है, तुमको सिक्योरिटी कौन सा दिया 90 दिन का, उसका मतलब एवरी 90 डे यू इन्वेस्ट 0.988 टूडे, यू गेट 1 ओवर हियर। इसका जो रिटर्न मिला है वो 90 डे कंपाउंडिंग के हिसाब से हुआ है, यू विल नॉट गेट 80/90 ओवर हियर। मतलब यहां का जो रिटर्न है 0.988 पे भी कैलकुलेट कर लोगे, उसका 80/90 करोगे तो वो अमाउंट नहीं आएगा यहां पर। वन बिकम्स इतना ही 90 डे, तो वन डे में कितना, 2/1/90, 80 डे में कितना, 2/80/90। यहां तक कंपाउंडिंग का इफेक्ट लेना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या दिया है, 0.988 बिकम्स 1 इन 90 डे, दैट इज वॉट इज गिवेन। एमएमवाई क्या है, होल्डिंग पीरियड यील्ड ऑफ 80 डे, तो पहले बताओ कि एक रुपया कितना बनेगा 80 दिन में, फिर उसका एचपीवाई निकाल के उसको सिंपल इंटरेस्ट बेसिस पर एनालाइज करो। इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए तुम सिंपल इंटरेस्ट नहीं यूज कर सकता। बोलो फॉलोइंग, डाउट है तो बताओ। हाँ, 80 डे पे लेके आए, बात एक ही पड़ेगा, तुम करेगा क्या, तुम करेगा 1/0.988 होल्ड टू द पावर 365/90। 4.8% तो एक साल में बन रहा है ना? हाँ, 4.8% एक साल में नहीं बन रहा है, 4.8% इज अ 360 डे एनुअलाइज डिस्काउंट। डिस्काउंट 4.8 डे 360 डे का है, इसका मतलब ये नहीं है कि, मतलब दिस डज नॉट मीन
कि टाइम जीरो से टाइम 360 का वन इज गोइंग टू बी इक्वल टू पॉइंट 952। तुम ये बोल रहा है, तुम बोल रहे हो कि 4.8% 360 दिन का डिस्काउंट है, तुम इसी से नहीं कर सकता क्या? इसका मतलब ये नहीं है, दिस BDY इज फॉर अ 90-day बिल। ये 90 दिन का बिल का BDY है, 110 दिन का BDY कुछ और होगा। अगर तुम 4.8% मान लेते हो, इसका मतलब क्या है, हर एक बिल का BDY सेम हो जाएगा ना फिर तो। तुम बोल रहे हो कि 4.8% अगर 360 डे का है तो तुम्हारे हिसाब से 110 दिन, 120 दिन, 150 दिन कोई भी बिल हो सबका BDY, क्योंकि तुम तो 360 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, तुम तो एनुअलाइज कर दे रहे हो, तो हर बिल का BDY सेम हो गया तुम्हारे हिसाब से। ही इज इट पॉसिबल कि 1 इज इक्वल टू 0.952 टुडे 360 डेज के बाद का 1? नो, ऐसा होगा तो इफ देयर इज अ 20-day बिल, 90-day बिल, 80-day बिल, हर बिल का एनुअलाइज BDY तो सेम हो जाएगा ना फिर। हर एक बिल का BDY अलग होता है, आप उस पर्टिकुलर बिल का डिस्काउंट निकालो और उसको इनटू 360 बाय एन करो। एनुअलाइज करने का लॉजिक ये है कि आई विल बी एबल टू कंपेयर अ 70-day बिल विद अ 110-day बिल। हाँ, इनटू 360, इनटू 90 बाय 360। हाँ, क्योंकि BDY इज एनुअलाइज डिस्काउंट ना, और अपने BDY में 360 डे ईयर बेसिस यूज करते हैं। यस यस, आई गिव यू अनदर एग्जांपल। 90 डे बिल का BDY इज इक्वल टू लेट्स से 4.8% जो यहां दिया है। आई गिव यू अनदर बिल, 60-day बिल। कौन सा बिल सस्ता में मिलेगा तुमको, 60-day का कि 90-day का? 90-day का सस्ता में मिलेगा ना, 90-day के बाद 1 मिलेगा उसके लिए आज कितना पैसा दोगे, और 60-day बाद 1 मिलेगा उसके लिए आज कितना पैसा दोगे? ऑब्वियसली 90-day बाद 1 मिलेगा उसके लिए कम ही पैसा देंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सिंपल लॉजिक। लेकिन इसका BDY इज इक्वल टू, ऑब्वियस सा बात है, अगर सपोज मैं ऐसे कर लूं कि इसका बिल, इसका डिस्काउंट देख रहा हूं, तो उस हिसाब से तुम बोलोगे इसका डिस्काउंट तो हैज टू बी लेस डिस्काउंट, इसका डिस्काउंट ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा सस्ता होना चाहिए, तब तो फिर कोई BDY का लॉजिक ही नहीं रहा। लेकिन इसको अगर कंपेरेबल बनाना है, एनुअलाइज करूंगा कि 90-day का डिस्काउंट जो भी हो, तो मैं एनुअलाइज डिस्काउंट 4.8 है, सपोज इसका एनुअलाइज डिस्काउंट इज 5.0, दिस बिल इज सस्ता, होना चाहिए था ये महंगा ना, इसके हिसाब से देखोगे तो ये चीपर है। नाउ यू कैन कंपेयर दीज, क्यों? क्योंकि दोनों का जो BDY है वो एनुअलाइज है, इसका जो डिस्काउंट है वो 90-day के हिसाब से डिस्काउंट कितना है, 4.8, 360 दिन का डिस्काउंट है, 90-day के हिसाब से 1 का चीज 0.982 में मिल रहा है, 1.2% इज द डिस्काउंट फॉर 90-day। 60-day का डिस्काउंट कितना है, 5 × 60/360। गॉट इट? दैट इज 1 यहां पे कितना होगा, एक बार बताना मेरे को, 5 × 5/16 कितना होता है, 5 × 60 = 0.833, 99.13, 0.9913, यही आएगा क्या, 0.9917 है ना? ऑब्वियस सा बात है कि ये वाला बिल इससे सस्ता में बिकेगा, इट इज वेरी ऑब्वियस। आज 0.982 दोगे तो 90 दिन बाद 1 मिलेगा, आज 0.9917 देंगे तो खाली 60 डेज बाद 1 मिलेगा, करेक्ट? तुम लोग बोल रहा है इसका हिसाब से, व्हाट यू आर सेइंग इज, आज का 1 मतलब 360 डेज के बाद का 1 इज इक्वल टू आज का कितना, 95.952। और इसके हिसाब से वही चीज देखेगा तो 1 रुपया 360 डेज के बाद का इज 0.950, पॉसिबल नहीं है ना? मतलब तुम बोलते हो कि 0.952 दो तो मैं 360 दिन बाद 1 दूंगा, और तुम ही बोल रहे हो कि 0.950 दो तो 360 दिन बाद 1 दूंगा, तो ये कोई खरीदेगा ही नहीं, यही खरीदेगा। टेक्निकली दिस इज गिविंग यू मोर डिस्काउंट, दिस इज अ चीपर बिल। अगर इसको कंपाउंड करोगे बार बार 90-day 90-day करके, तो 365 डे में तुम्हारा EY क्या आएगा, 0.982। और इसका EY क्या आएगा,
क्या 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 नहीं नहीं BDY क्या है 360 डे का डिस्काउंट और इसका BDY क्या ये भी 360 डे का डिस्काउंट है ना भाई यहाँ डिस्काउंट इज 1.2% 90 डे का विच इज मोर देन यहाँ का डिस्काउंट दिस इज 0.83% इट्स नॉट लाइक दैट BDY इज कैलकुलेटेड लाइक दिस ऐसा थोड़ी है कि BDY से ये निकालते हैं तुम्हारा डिमांड सप्लाई इस पे बेसिस पे हो रहा है यू कैलकुलेट BDY एंड 1 माइनस BDY इज द कोटेड प्राइस ऑफ द बिल मतलब अगर तुम्हारा BDY 4.28% है तो 90 डे का बिल का प्राइस तुम्हारा स्टॉक मार्केट में देखोगे तो वो दिखाएगा 95.2 बट परचेज प्राइस 95.2 नहीं है परचेज प्राइस इज दिस 0.982 समझो 90 दिन का बिल 60 दिन का बिल 60 दिन का बिल मतलब 60 डेज बाद पैसा 90 दिन का मतलब 90 दिन के बाद पैसा लेकिन ये दोनों रेट जो डिस्काउंट है वो 360 डे का डिस्काउंट दिया है तो इसका कोटेड प्राइस विल बी 95.2 इसका कोटेड प्राइस विल बी 95 दिस विल लुक चीपर बट वेन यू बाय यू विल बाय फॉर 0.9917 परचेज प्राइस ही है कोट करने का तरीका अलग हुआ बिल्कुल सेकेंड हाँ सेकेंड वाला लगेगा ना सस्ता लगेगा हायर BDY सस्ता ऑब्वियसली दैट इज वाई मतलब क्या हो तुमको कुछ समझ में आ गया इसका मतलब तुम देखो 60 डे 90 डे इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है ये वाई तक तुमको ऑटोमेटिकली देख के पता चलेगा कौन सा सस्ता चल रहा है 60 दिन वाला सस्ता चल रहा है कि 90 दिन वाला सस्ता चल रहा है टेक्निकली बाई करोगे तो ऑब्वियसली 60 वाला के लिए ज्यादा पे करोगे 90 वाला के लिए कम सी पे करोगे ऑब्वियस बट ऑन एन एनुअलाइज्ड बेसिस एग्जैक्टली बिकॉज अदरवाइज यू आर अज्यूमिंग कि 60 डे 90 डे योर कंपाउंडिंग पीरियड इज 60 डे और 90 डे और 180 डे इट्स ऑल द सेम 90 वो 90 में कन्वर्ट डिवाइड बाय 4 और इसमें 60 करेक्ट बट एक चीज सिंपल है तुमको ये वाला वैल्यू हैज टू बी तुम्हारा जितना भी BDY में डिफरेंस हो तुम्हारा ये वाला वैल्यू विल बी लोअर देन दिस वन हाँ दिस हैज टू बी लोअर देन दिस वन एनुअलाइज देखो यू दीज वैल्यूज माइट डिफर एनुअलाइज बेसिस पे कौन सा बिल ज्यादा कमा के दे रहा है वो चेक करे कि कौन सा सस्ता पड़ेगा कौन सा सस्ता पड़ेगा फिक्स इनकम में और करेंगे तब फॉरवर्ड रेट्स वगैरह सीखोगे ठीक है यहां तक बिल जो है ये जो रेट्स है उसको एनुलाइज दिया है ताकि तुम जो बोला अभी कि तुरंत कंपेयर कर सकते तो देखते ही पता चले कि ये सस्ता है दिस इज गिविंग अ बेटर ईल्ड और इसका कोड देखोगे तो 95.2 है 95 दिस सस्ता आई लाइक दिस वन परचेज प्राइस इज दिस दैट विल बी कोटेड प्राइस फॉलोइंग ओके डिलेयर बेस थ्योरम का एक सम करेंगे क्विकली बुक देखो एक बार प्रोबेबिलिटी के पीछे का एक आर्ट वुड का सम दिया है बॉन्ड के ऊपर विल डू दैट देन विल स्टार्ट प्रोबेबिलिटी एक बार देखो पीछे आई विल रीड इट आउट प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के पीछे में एकदम सम है मिस्टर आर्ट वुड करके एक सम है बॉन्ड का प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट जो चैप्टर है उसका टुवर्ड्स द एंड आओ देयर इज अ क्वेश्चन एम आर्टवुड क्वेश्चन एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट जगह के बाद क्वेश्चंस में दिस वन पेज 236 तुम आगे चला गया 236 देखो 193 में उसका पुराना है 193 नया बुक का 193 देखो मिला एम एटवुड नया बुक 193 पुराना बुक 236 एम एटवुड का सम दिखा एम एटवुड एन एनालिस्ट हैज डेवलप्ड अ स्कोरिंग सिस्टम फॉर बॉन्ड्स एंड फाउंड दैट इफ द स्कोर फ्रॉम अ बॉन्ड इज लेस देन 20 There is a 85% probability that it will default within 5 years. Now let's try and understand scoring system क्या होता है पहले क्योंकि देखो ethics में भी बहुत questions आएगा ethics will do February में
फेब्रुअरी फर्स्ट वीक वी विल डू एथिक्स ओनली. क्वेश्चंस आएगा जहां पे यू विल नीड टू अंडरस्टैंड, मतलब बहुत सारा टर्म्स ना पता नहीं होता है. तो इसमें जैसे बॉन्ड क्या है, बॉन्ड का स्कोरिंग सिस्टम क्या है, डिफॉल्ट क्या है, ये भी पता होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी एबल टू डू दिस सम. बॉन्ड का स्कोरिंग सिस्टम क्या होगा, सपोज अपने एक बॉन्ड का बात करें. बॉन्ड क्या है, बेसिकली एक लायबिलिटी है कंपनी का. डिबेंचर जैसा सोच लो ना, कंपनी इशू किया, तुम पैसा लगाया कंपनी में, तो अब वो डिबेंचर जो है, तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, आज तुम गवर्नमेंट के पास पैसा लगाओगे, पीपीएफ वीपीएफ करोगे, तो गवर्नमेंट तुमको 6-8% रिटर्न देगा. तुम कंपनी का बॉन्ड में लगाओगे तो कंपनी तुमको 10-12% देगा. तुम अगर तुमको सेम रिटर्न देता है 80% देगा, तो 8% में तुम गवर्नमेंट में पैसा लगाओगे कि कंपनी का बॉन्ड में. गवर्नमेंट का बिकॉज इट इज सेफर, देयर इज नो रिस्क. कंपनी में रिस्क क्या चीज का है, कंपनी डूब गया तो, मेरा पैसा डूब गया तो, पैसा वापस नहीं किया, प्रिंसिपल इंटरेस्ट नहीं पे किया तो, दैट इज द रिस्क राइट व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनीज बॉन्ड. नाउ कंपनीज का भी ना बहुत कैटेगरी का बॉन्ड होता है. अच्छे कंपनीज के बॉन्ड होंगे, खराब कंपनीज के बॉन्ड होंगे. अच्छा कंपनी का बॉन्ड होगा उसके लिए तुम 8-10% में मान जाएगा. जो घटिया कंपनी होगा वो ज्यादा रिस्की लगेगा तुमको, कि पता नहीं ये कंपनी देगा कि नहीं, कैसा कंपनी है, तो बोलेगा हम 17% देंगे तुमको, तब तुम जाके उसका कंपनी में इन्वेस्ट करोगे. सो हायर रिस्क हायर रिटर्न. तो घटिया कंपनी होगा उसका बॉन्ड खराब टाइप का होगा, जो अच्छा कंपनी होगा उसका बॉन्ड अच्छा कंपनी अच्छा टाइप का होगा. अब एक बॉन्ड को जब असेस करते हैं, प्रैक्टिकली सोचो व्हाट हैपेंस. तुम बॉन्ड को असेस करोगे तो कंपनी का डेट इक्विटी कैसा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो किया है तुम लोग का 11-12 में, नहीं ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो पता है, करंट एसेट टू करंट लायबिलिटी कैसा है, उसका रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा है, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट जीपी रेशियो ये सब. फिर कंपनी के ऊपर कितना कोर्ट केसेस चल रहा है ये चेक कर सकते हो, कंपनी कितना लिटिगेशन वाला चीज में फंसा हुआ है एंड ऑल, कंपनी डूबेगा कि नहीं, कंपनी पास्ट में कभी डिफॉल्ट किया है कि नहीं, ये सब दे सकते हो ठीक है. सो मतलब बेसिकली बहुत सारा चीजों के बेसिस पर हम लोग ना कंपनी को स्कोर देते हैं. लेट्स से आई गिव देम स्कोर 1, 2, 3, 4, चार चीज है, मैं इसको आउट ऑफ 25 पॉइंट्स दूंगा. सपोज अगर डेट इक्विटी रेशियो इज बिटवीन बिलो 2, आई गिव देम पूरा 25 पॉइंट. अगर 2 से 3 है, आई गिव इट ओनली 20 पॉइंट. ऐसे करके मैं एक स्कोरिंग सिस्टम डिजाइन करता हूं जहां पे मैं इनको रेंज की कितना लिटिगेशन केसेस है, 10 लिटिगेशन है, 20 है, 25 है, जैसे मैगी का अभी हुआ, नेस्ले का. सो दीज पीपल गॉट इन टू ट्रबल राइट. सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज पैरामीटर्स मैं उनको एक स्कोरिंग सिस्टम दे सकता हूं. लेट्स से आउट ऑफ 25 हर एक पैरामीटर पे, मतलब हर एक बेसिस पर उसको एक स्कोर दिया, तो बेसिकली आई विल गेट अ स्कोर आउट ऑफ 100. मैं बोल रहा हूं अब जो बॉन्ड अच्छा होगा उसका स्कोर हाई आएगा, जो बॉन्ड खराब होगा उसका स्कोर खराब आएगा ठीक है. अभी अपने को पता करना है, अभी अपने को बोल रहा है कि जो बॉन्ड्स का स्कोर इस लेवल के ऊपर गया है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, जो बॉन्ड का स्कोर 80 के ऊपर जाएगा ना, उसका प्रोबेबिलिटी है 85% प्रोबेबिलिटी कि डिफॉल्ट नहीं करेगा. सपोज जिसका नीचे आएगा, देयर इज अ 60% चांस कि डिफॉल्ट नहीं करेगा, मतलब 40% चांस है डिफॉल्ट करने का. मतलब जिसका स्कोर अच्छा, लोअर प्रोबेबिलिटी टू डिफॉल्ट, एंड जिसका स्कोर खराब, लेट्स से हायर प्रोबेबिलिटी टू डिफॉल्ट. उसके ऊपर बेस थ्योरम का लॉजिक दिया है. तो दिस इज अ वेरी बेसिक, मतलब बहुत ही बच्चा टाइप का बॉन्ड स्कोरिंग सिस्टम बताया है. इसमें यू विल हैव 50 क्राइटेरिया, 20 क्राइटेरिया, 70 क्राइटेरिया, उसके बेसिस पर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला यूज करके तुम इसका स्कोर निकालोगे, फिर हर एक स्कोर को रेंज दे दोगे. लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसे भी कर सकते हैं कि जो बॉन्ड का स्कोर 90 और 100 के बीच में होगा उसको ए बोलेंगे, 80 और 90 के बीच में आएगा उसको बी बोलेंगे. बॉन्ड को रेटिंग प्रोवाइड करते हैं, अगर प्रैक्टिकली देखोगे तो इस तरीके से रेटिंग होता है, AAA, AAA, BBB, जो डिफॉल्ट करके उसको डी बोलते हैं. तो बॉन्ड को रेटिंग प्रोवाइड किया जाता है, जैसे रिलायंस का एक बॉन्ड है उसको AA रेटिंग दे दिया, महिंद्रा का बॉन्ड है उसको BBB दे दिया, टाटा का एक बॉन्ड है उसको AAA दे दिया. तो बेस्ड ऑन बॉन्ड का स्टडी एंड ऑल करके, ताकि ये क्यों होता है, ये सब ये क्रिसिल इकरा नाम सुने हो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होता है, इकरा होता है क्रिसिल, इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, केयर होता है क्रेडिट एजेंसी रेटिंग समथिंग, आई फॉरगॉट केयर का फुल फॉर्म, यूबीएस वगैरह भी, वैसे तो बहुत सारा है बट इन जनरल अगर इकरा क्रिसिल केयर दीज आर द मेजर रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया. और यूएस का देखोगे तो स्टैंडर्ड्स एंड पुअर और मूडीज करके रेटिंग एजेंसी है, वो बॉन्ड्स को स्टडी करता है और देखता है कि बॉन्ड कितना अच्छा है कितना खराब है, अच्छा बॉन्ड को अच्छा रेटिंग, खराब बॉन्ड को खराब रेटिंग, ताकि इन्वेस्टर को पता हो कि अच्छा ये रिस्की बॉन्ड है ज्यादा रिटर्न मांगेंगे, कमती रिस्की बॉन्ड मतलब ये ज्यादा रिस्की बॉन्ड है ज्यादा रिटर्न, कमती रिस्की बॉन्ड है कमती रिटर्न, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द बॉन्ड. आज किंगफिशर सपोज जब इशू हुआ था AA था, उसके बाद में ये सब नॉनसेंस हुआ कंपनी के साथ, कंपनी डूब रहा है, अभी उसका रेटिंग को चेंज करके BBB या CSC CCC कर दिया है.
क्योंकि वो कंपनी खराब हो गया तो इन्वेस्टर को पता चला कि किस तरह का क्रेडिट रेटिंग है। सो स्कोर्स के ऑब्वियस सा बात है, कौन सा बॉन्ड का प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट विल बी हाई, घटे वाला बॉन्ड का, देर बी लो अच्छा क्वालिटी है, इसका डेट इक्विटी कम है, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है, देर इज वेरी लो चांस कि ये बॉन्ड डिफॉल्ट करेगा, बट देर इज वेरी हाई चांस कि इस तरीके का बॉन्ड डिफॉल्ट करेगा, लोअर रेटिंग वाला बॉन्ड डिफॉल्ट करेगा। सो बेस्ड ऑन द स्कोरिंग सिस्टम वी हैव बीन गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, उसके बेसिस पर बेस थ्योरी का सम है। समझ में आया बॉन्ड स्कोरिंग सिस्टम? नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन। एम आटवुड An analyst has developed a scoring system for bonds and found that if the score from a bond is less than 20, there is an 85% probability that it will default within 5 years. अब एक बात बताओ, dependent event और independent event चाहिए? इसमें bond का scoring के बाद में पता चलेगा कि default करेगा कि नहीं करेगा, या default होने के बाद तुम उसको scoring देते हो? Scoring के बाद default हुआ ना, तो scoring independent event हुआ and default is your dependent event. So, पहला चीज इज स्कोर ग्रेटर देन 20, स्कोर लेस देन 20, डिफॉल्ट नो डिफॉल्ट बोलो, राइट? अब बोल रहा है देर इज अ प्रोबेबिलिटी अगर स्कोर लेस देन 20 हुआ, मतलब यहां पर इफ लेस देन 20 प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज 85, 85 कौन सा है? ये कौन सा? ये वाला डिफॉल्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इफ योर स्कोर इज लेस देन 20 इज इक्वल टू 85%। लिखने का तरीका ये है, यही बोल रहा है ना कि गिवन दैट स्कोर इज लेस देन 20, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट? इट इज व्हाट? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, राइट? उसके बाद बोल रहा है इफ द बॉन्ड स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, ठीक है, इक्वल टू डाल दें यहां पे, डजंट मैटर। अगर बॉन्ड का स्कोरिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है, देयर इज ओनली अ 40% चांस दैट इट विल डिफॉल्ट विद इन 5 years। सो दिस इज 40%, राइट? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट स्कोर ग्रेटर देन 20 इज 40। ऑब्वियसली तुमको एग्जाम में ये सब लिखना नहीं है, एग्जाम में खाली ये बना के सम करोगे, ये सब लिखना है, ये सब बार बार इसलिए लिखा रहा हूं सो दैट यू नो हाउ इट इज रिटन प्रैक्टिस के लिए, और ये सब लिखने का कोई जरूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यही चाहिए खाली एग्जाम में, खाली ये चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है गिवन दैट अ रैंडमली चोजन बॉन्ड करेंटली हैज अ 25% प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्कोर लेस देन 20, मतलब कोई भी बॉन्ड को रैंडमली उठाओगे, 100 में से अगर एक बॉन्ड को उठाओगे तो उसका प्रोबेबिलिटी कि वो लेस देन 20 होगा इज इक्वल टू हाउ मच? 25%। कौन सा प्रोबेबिलिटी 25 हुआ? ये वाला, कि अगर रैंडमली कोई बॉन्ड चूज किए उसका स्कोर से कम होने का प्रोबेबिलिटी 25%। ये वाला नहीं लिख रहा हूं, दूसरा कलर से लिखूंगा। अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉन्ड दैट डिफॉल्ट्स विद इन द नेक्स्ट 5 years, मतलब जो डिफॉल्ट कर रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉन्ड दैट डिफॉल्ट, मतलब ये बोल नहीं रहे, ये तो हो रहा है, दिस इज अ फैक्ट, इट डिफॉल्ट विद इन द 5 years, हैड अ स्कोर ऑफ 20 और हायर। क्या चीज का सम है? बेस का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, क्या चीज का? बेस का सम है। आंसर ये आ रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है, अब बताओ स्कोर ये आया होगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या? आंसर के बेसिस पर क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी, तो डिफॉल्ट का सैंपल स्पेस मतलब ये दोनों का टोटल, और स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 20 मतलब ये वाला पार्ट ऊपर, फेवरेबल आउटकम बाय सैंपल स्पेस। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत इजी है, ये 25 है, ये 40 है, और ये 85 है, has to be, there is no other option। उसके बाद 75% को 40-60 में ब्रेक करो, कितना आएगा?
25 को 1585 में डालोगे तो कितना आएगा? हाँ नहीं, वो 1/5 4/5 2080 में होता. बोलो करेक्ट. अब तो करना कुछ नहीं है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट आउट ऑफ 30 एंड 21.25 केसेस में जो डिफॉल्ट हो रहा है उसमें से कितना केसेस में स्कोर ग्रेटर देन 20 था? तुम्हारा आंसर खाली इतना ही है, तुम्हारे एग्जाम के लिए खाली इतना ही करना है तुमको. यही है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि स्कोर 20 से ज्यादा रहा होगा गिवन दैट आंसर में बॉन्ड डिफॉल्ट किया है. बॉन्ड डिफॉल्ट किया है टोटल 30 एंड 21.25 केसेस में से, एंड आउट ऑफ दीज 30 एंड 21.25 केसेस 30 केसेस में बॉन्ड का स्कोर ग्रेटर देन 20 रहा है. क्लियर? ये है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स. दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट इवेंट, अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ये जो है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ऑफ डिपेंडेंट इवेंट. ये जो है ये पूरा जॉइंट है. दिस वन इज योर जॉइंट प्रोबेबिलिटीज, दिस वन इज योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज, दिस वन इज योर इंडिपेंडेंट इवेंट का अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ये जो दोनों है ये अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट इवेंट है. हाँ सॉरी राइट. एंड ये जो आया तुम्हारा ये सॉरी ये ऐसा जो आएगा जितना भी दिस डिवाइड बाय दिस टोटल, दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस एंड दिस डिवाइड बाय दिस, वो क्या है? बेस थ्योरम. प्रोबेबिलिटी ऑफ योर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द आउटकम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंडिपेंडेंट इवेंट बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ द डिपेंडेंट इवेंट. इंडिपेंडेंट इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे बेस्ड ऑन डिपेंडेंट इवेंट का आउटकम हुआ क्या है. बोलो फॉलोइंग. अब ये क्वेश्चन से कंडीशनल जॉइंट वॉइंट सब कवर हो जा रहा है तुम्हारा. फॉर्मूला अगर निकालना है अपने क्या बात करते, इंडिपेंडेंट इवेंट का प्रोबेबिलिटी बोला था पीए इंटू पीबी. इंडिपेंडेंट इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या बोले थे अपने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पीए इंटू पीबी. राइट. यहां पर अगर मेरे को जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालना है, ये तो डिपेंडेंट इवेंट है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी क्या हुआ इससे निकालेंगे ना. 30 क्या किया पी ए, लेट्स से इसको पी ए ले लो. ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए ना. ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है तुम्हारा, ये क्या बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. यू डोंट नीड दिस फॉर्मूला, ये फालतू है, इसका जरूरत नहीं है. मैं बता रहा हूं कि यही फॉर्मूला बुक में दिया हुआ है डिराइव कर करके. तुमको आंसर निकालने से मतलब ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो तुम लोग प्रोबेबिलिटी का नहीं कर पाओगे. वंस यू नो हाउ टू मेक दिस इट्स जस्ट फिलिंग इन द गैप्स. रीड द क्वेश्चन थरली अच्छे से समझ के कि ऐसा होगा तो ये हो रहा है, इसका प्रोबेबिलिटी ये है. एकदम अपना लैंग्वेज में सोच के इसको ये ट्री बनाओ. वंस यू गेट दिस देन क्वेश्चन इज अ केक वॉक. फिर सिंपल है, फेवरेबल आउटकम बाय सैंपल स्पेस और कुछ नहीं है. टोटल 100 केसेस था, उसको डिवाइड किया 75-25 में, ये 75 को रेशियो में डिवाइड किया, वो 25 को रेशियो में डिवाइड किया, कुछ देगा सम में, कुछ और कैलकुलेट करने को बोल देगा. क्वेश्चन अच्छा तब होगा जब बेस का आंसर देगा और उसके बेसिस पर बैक कैलकुलेट करके कुछ और मांगेगा. फॉलोइंग. ये दे दिया सपोज 51.25% इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोर ग्रेटर देन 20 गिवन अ डिफॉल्ट इज दिस मच. अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या है, सपोज 75 निकालो. तो तुमको दे दिया this by this is equal, मतलब 51.25 दे दिया और इसका आंसर दे दिया. ये निकल जाएगा, ये निकलेगा, ये निकलेगा, ये निकलेगा तो ये भी निकलेगा. और सपोज इन दोनों में से कुछ एक दिया होगा, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट दिया हुआ तो ये भी निकल जाएगा. मतलब वो कुछ ना कुछ करके तुम्हारा सारा चीज बैक कैलकुलेट होकर फिगर्स निकलेगा बेस थ्योरम में. बोलो क्लियर. देखो सी इफ यू वॉन्ट टू टेक दिस डाउन. ले लिया तो ठीक है, विल स्टार्ट अ प्रोबेबिलिटी स्टार्टिंग से बुक में. ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया बेस थ्योरम का तो बोलो, बिकॉज अपने क्विकली कवर करेंगे इसको. चैप्टर में ये वाला चीज कराया हुआ है. एंड डोंट ट्राई टू मग अप फॉर्मूलाज लाइक दिस. तुम लोगों को लिखाया था ना फॉर्मूला लास्ट से, फेवरेबल आउटकम बाय सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी रेंजेस बिटवीन 0 एंड 1, समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज, अगर सारा आउटकम का लेंगे दैट इक्वल्स टू 1,
एंड इंडिपेंडेंट इवेंट का ज्वाइन प्रोबेबिलिटी पी ए इंटू पीबी एंड यूनियन हो गया पी ए प्लस पीबी माइनस पी ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी पी ए यूनियन बी इज पे ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना है पी ए प्लस पीबी से. बुक्स देखो निकालो क्विकली. अ फ्यू थिंग्स हैव ऑलरेडी बीन डन. रैंडम वेरिएबल क्या है? हेड टेल कुछ भी होना दैट्स रैंडम वेरिएबल. इट्स एन आउटकम दैट कैन हैपन. इवेंट क्या है? कुछ करना, कॉइन टॉस करना इज एन इवेंट. वो फालतू चीज है. ऑब्वियसली दे आर नॉट क्वेश्चनिंग यू ऑन दिस नॉनसेंस. फर्स्ट पेज पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब या तो हेड होगा या टेल होगा, दोनों हो नहीं सकता. प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट उससे चालू करेंगे ना, उसके पहले तक तो हो गया सब. 158 नया बुक के हिसाब से. उसके पहले तक का तो हो गया ना अपना सब चीज. आई थिंक खाली चेबीशेव इनइक्वालिटी एक छोड़ा है, दो तीन पे छोड़ा है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद कराऊंगा. ठीक है, तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ले लो, दैट इज योर एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ इवेंट्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एग्जॉस्टिव इवेंट्स टोटल शुड बी इक्वल टू 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट शुड बी बिटवीन 0 एंड 1. वही दिया है नीचे. उसके बाद तीन तरीके का प्रोबेबिलिटी अनलाइन करना, एम्पिरिकल, प्रायोरी और सब्जेक्टिव. 1, 2, 3 लिख लो, बेकार थ्योरी पार्ट. नाउ सपोज आई गिव यू, मैंने लास्ट का 10 साल का डेटा एनालाइज किया, वो डेटा कलेक्ट किया, उसका एनालिसिस के बेसिस पे मैं बोल रहा हूं. सपोज मैंने बॉन्ड स्कोरिंग सिस्टम ही किया था, लास्ट 5 साल का स्कोरिंग सिस्टम के हिसाब से मैंने देखा कि आई इवैल्यूएटेड 1000 बॉन्ड्स. वो 1000 में से देर वर 250 बॉन्ड जिनका स्कोर वॉज लेस देन इक्वल टू 20 एंड देर वर 750 बॉन्ड ग्रेटर देन इक्वल टू 20. तो मैं क्या बोलता हूं, 75% प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा होगा और 25% प्रोबेबिलिटी ऐसा होगा. एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी जहां पर आप पास्ट के बेसिस पर, पास्ट डेटा को एनालाइज करके एम्पिरिकल एविडेंस के बेसिस पर आप प्रोबेबिलिटी बता रहे हो. प्रायोरी प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, मैं बोलता हूं कि देखो इतना चांस है ये होने का, उतना चांस है ये होने का, सो लॉजिकली ऐसे ऐसे कैलकुलेट कर करके, मतलब कोई लॉजिक, कोई रीजनिंग के बेसिस पर यू से दैट द प्रोबेबिलिटी शुड बी दिस मच, नॉट बेस्ड ऑन पास्ट डेटा बट बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ अ लॉजिक, राइट. एंड सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी हो गया, कोई लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं है, तुम जजमेंटल के बेसिस, जजमेंट के हिसाब से बोल रहे हो कि मेरे हिसाब से ना 80% चांस है बादल को देख के लग रहा है बारिश होगा, जैसे 80% चांस की बारिश होगा, वो तुम्हारा हो गया सब्जेक्टिव. तुम देखे हो कि लास्ट 10 ईयर्स पे इस तारीख को, लास्ट 10 ईयर्स में एवरी ईयर, तो बेसिकली आउट ऑफ 10, लेट्स से टुडे 9 जनवरी, आउट ऑफ 10 9th जनवरी इन द लास्ट 10 ईयर्स देर हैव बीन रेनफॉल ओनली ऑन 2 डेज, दैट इज एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी 20%. बादल देख के अपना मन मर्जी से बोल रहे हो, वो तुम्हारा हो गया सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी. और बोलते हो कि अच्छा 2 दिन पहले हुआ था, चेन्नई में कल हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, 50 रीजन के बेसिस पे बोलोगे, दैट इज योर प्रायोरी प्रोबेबिलिटी वे यू आर यूजिंग सम काइंड ऑफ लॉजिक. इट्स जस्ट थियोरेटिकली नीड टू नो. देर कुड बी सम पास्ट डेटा बट नॉट एक्जैक्टली, उसको प्रायोरी बोलेंगे, जहां पे आप कुछ रीजनिंग, कुछ लॉजिक मतलब लगा के इधर उधर करके फिर उसके बेसिस पर प्रोबेबिलिटी लगाओगे. ठीक है, उसके बाद odds against odds in favor is very simple. Say for example, there is a 3/8 probability for something. PA is equal to 3/8. मतलब तुम्हारा दो चीज हो सकता है. PA is 3/8, probability of B is equal to obviously 5/8. Suppose दो ही possibility है. A होने का chances क्या है? Out. देखो total possibilities are 8. 3 favorable outcome है. Unfavorable कितना है? 5. Odds in favor is 3:5. मतलब 3 in favor है मेरे चांस में और 5 मेरे अगेंस्ट में, और odds against is 5:3. So अगर तुमको odds in favor बोल दिया, probability क्या होगा? Odds in favor, odds against कुछ नहीं है. Suppose there is a 1/8 probability of something. Odds in favor is 1:7. 1 favorable for every 7 unfavorable. तो 1 favorable for every 7 unfavorable है, तो total possibilities are 8. Probability होने का क्या है? 1/8. Probability नहीं होने का 7/8. Odds in favor, odds against, खाली लिखने का तरीका, उसमें कुछ नहीं है. और next section वही दिया है, odds in favor, odds against क्या होता है.
सो ऑड्स इन फेवर इज बेसिकली प्रोबेबिलिटीज ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज टू प्रोबेबिलिटीज ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स एंड ऑड्स अगेंस्ट क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल आउटकम इज टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ठीक है दैट्स योर ऑड अगेंस्ट एंड ऑड्स इन फेवर ऑड्स अगेंस्ट अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी को मार्जिनल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं मार्क करना वो चीज अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब कोई चीज का प्रोबेबिलिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग एल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट तुम्हारा स्कोर 20 से ऊपर हो नीचे हो डजंट मैटर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट दोनों प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट का टोटल अब तुम्हारा स्कोर 20 के ऊपर हो नीचे हो डजंट मैटर दैट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट इवेंट और ऊपर में क्या था वो 25% 75% अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट अनकंडीशनल मतलब नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग जो बीच में था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट अगर स्कोर लेस देन 20 हुआ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज 60% दैट इज कंडीशनल कि अगर ऐसा हुआ तो इस चीज का प्रोबेबिलिटी है अगर तुमने वो अगर वाला कंडीशन नहीं डाला दैट इज अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब नॉट कंडीशनड अपॉन समथिंग कि अगर ऐसा हुआ तो वो सब कुछ नहीं नॉर्मल कुछ भी हो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस दैट इज अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी अब खाली नॉमिनलेचर यू अंडरस्टूड राइट बेस थ्योरम में एंड अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लीकेशन रूल प्रोबेबिलिटी ए बी अब वही फॉर्मुला निकाल के दिए देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ए बाई बी इंटू पी बी एडिशनल रूल इज पी ए प्लस बी इज पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी वो पी ए ए और बी इज एक्चुअली ए यूनियन बी पी ए और बी एंड पी ए बी तुम लोग को इस तरीके से लिखने का आदत है तो लिखना है वहां पे नोट करना है तो नोट कर सकते हो टोटल प्रोबेबिलिटी रूल फालतू है याद नहीं करने का जरूरत है छोड़ो जितना फॉर्मूला करा दिया प्रोबेबिलिटी का उतना काफी है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी पीएबी इज इक्वल टू वापस वही देके रखा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इनटू अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बकवास जरूरत नहीं है सबका ये सारा चीज तुम लोग को आता है ऑल दीज फॉर्मूलाज यू ऑलरेडी नो क्वेश्चन देखो तुरंत हो जाएगा पीआई प्रोबेबिलिटी ऑफ आई इज इक्वल टू 0.4 probability of r given I is equal to 0.7 what is the probability of r and I together let's see bina formula ke question apne kar pate ki nahi wo dekhna hai probability that the monetary authority is increasing rate is itna probability of recession given an increase in interest rate इंटरेस्ट रेट के ऊपर रिसेशन डिपेंड करेगा कि रिसेशन के ऊपर इंटरेस्ट रेट डिपेंड करेगा इंटरेस्ट रेट के ऊपर ना राइट तो मॉनेटरी अथॉरिटी इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट का प्रोबेबिलिटी 40% देके रखा है और अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया तो रिसेशन का प्रोबेबिलिटी देके रखा है 70% मतलब आउट ऑफ 100 केसेस 40 केस में इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीजिंग और आउट ऑफ 40 केसेस में आउट ऑफ व्हेन द इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीजिंग रिसेशन कितना केस में रहा है 70% वही दिया होगा वही दिया है यू डोंट नीड ऑल दीज फॉर्मूलाज बेकार वाला इसको स्किप करना आगे उसके बाद नेक्स्ट वाला में जाना वो सम्स हो जाएगा घर पे प्रैक्टिस करना प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग 3 4s इन वन साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 3 dice व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अब तीनों डाइस में 4 आने का इट इज नॉट डिपेंडेंट ना हर डाइस इंडिपेंडेंट है देर इज 1/6 देखो 1/6 प्रोबेबिलिटी इसमें 4 आएगा 1/6 प्रोबेबिलिटी इसमें 4 आएगा 1/6 प्रोबेबिलिटी इसमें 4 आएगा तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट है लॉजिकली सोचो तुम खुद सोचो फेवरेबल आउटकम बाय सैंपल स्पेस देर आर 6 ऑप्शन द कॉम्बिनेशन कुड बी 111 121 131 141 कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है 6 × 6 × 6 पॉसिबिलिटीज सैंपल स्पेस क्या हुआ फेवरेबल आउटकम क्या है ओनली वन पॉसिबिलिटी 444 से फॉर एग्जाम्पल बोला वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन डाइस में 4 आएगा सपोज आई आस्क यू सपोज छोड़ो ना 11-12 का क्वेश्चन पूछ रहा हूं वॉट इज द प्रोबेबिलिटी की 3 डाइस एक साथ रोल किया उसमें से खाली 1 डाइस में 4 आएगा एक में 4 चाहिए तो 1/6 केस में आएगा बाकी दोनों डाइस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है 5/6 and 5/6 दूसरा लॉजिक समझो 6 × 6 × 6 इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एक को 4 पकड़ा कॉम्बिनेशन क्या क्या पॉसिबल है 4 के साथ हाँ मतलब 4 के बाद 5-5 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ना 4 के साथ 1 2 3 4 5 कुछ भी एंड वो हर एक 1 के लिए 1 2 3 4 5 2 के लिए 1 2 3 4 5 तो हर 5 के लिए 5-5 कॉम्बिनेशन है तो 5 × 5 25 उतना केसेस में आएगा ना
डन। तो हम लोगों को स्कूल में इतना फॉर्मूला वॉर्मूला करके कराता था, थ्री क्यों होगा वो नहीं लेगा तुम, यू विल नॉट कंसिडर की फर्स्ट डाइस सेकेंड डाइस थर्ड डाइस अलग। तुम सोचो ना 36 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, 111 इज वन ओनली, 141 414 अलग अलग है, 414 मतलब 414 एंड 144 विल बी अलग, दोनों काउंट किए अपने सैंपल स्पेस में, 414 एंड 444 हैज बीन एक सेकंड बता रहा है, एक सेकंड को 414 144 इज काउंटेड, सो 4 के साथ 5 5 5 1/6 × 5/6 × 5/6 × 3 भी होना चाहिए, हाँ × 3 होगा क्योंकि I have included 414 and 441 अलग है, into 3 करना होगा, इसको 4 फिक्स करके, you are understanding, 414 है उसको अलग ट्रीटमेंट हुआ ना, 6 × 6 × 6 इसमें भी तो 6 × 6 तो 441 भी तो सैंपल स्पेस है, सो यहां पर भी इट कुड बी 455 इट कुड बी 545 इट कुड बी 554। तुमने तो फर्स्ट डाइस को 4 फिक्स करके 25 वैरायटी निकाला है, सेकंड डाइस और थर्ड डाइस को भी तो 4 फिक्स करके निकाल सकते हैं 25 वैरायटी, तो इनटू 3 होगा। एनीवेज इस लेवल पे नहीं जाएगा, प्रोबेबिलिटी इज नॉट व्हाट द क्वेश्चन इज, प्रोबेबिलिटी का एक्चुअली एप्लीकेशन तुम्हारा पोर्टफोलियो में आएगा इसलिए अपने को करना है, बट इट्स इजी, मतलब प्रोबेबिलिटी इज इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। नेक्स्ट में आओ, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है वो बता रहे हैं, कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड द इवेंट्स आर डिपेंडेंट, यू डोंट नीड ऑल दैट रबिश जो दिया है, इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए खाली वो चीज ध्यान रखना, पीए इंटरसेक्शन बी पीए इनटू पीवी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट, बाकी कुछ नहीं लगेगा। उसके बाद में देव गिवन यू अ क्वेश्चन इन ऑल, ट्राई दिस एट होम, ट्राई दीज क्वेश्चन एट होम, एन इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन ऑफ अनकंडीशनल प्रॉबिलिटी बिल्डिंग अपॉन आर एग्जाम्पल रिसेशन इंटरेस्ट रेट का आईआईसी एंड ऑल, तो वो ट्राई करना करते। एक्सपेक्टेड वैल्यू वाला पार्ट में आओ, उसके बाद वही ट्री बना के दिया है, देखो ना इसमें ट्री थोड़ा बड़ा कर दिया है, इसमें प्रोबेबिलिटी दे रहा है इकोनॉमी पुअर नॉर्मल और गुड होने का 30 50 20, हर एक केस में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, सो जस्ट अ बिगर ट्री, दैट्स इट, इट्स इजी, ट्राई करना। एक्सपेक्टेड वैल्यू वाला पार्ट में आओ, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्चुअली, अब यहां पे एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी वाला चीज करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है नाम से समझो, फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन निकाल रहे कि वैल्यू क्या एक्सपेक्टेड है। अब ऑब्वियस सा बात है, फाइनेंस जब पढ़ेंगे देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रोजेक्शंस इन्वॉल्वड, फ्यूचर को असेस करना पड़ेगा ना, आज का वैल्यूएशन कैसे होता है, फ्यूचर कैश फ्लोज का पीवी, तो घूम फिर के तुमको फ्यूचर का एक्सपेक्टेशंस का तो वैल्यूएशन करने का आएगा ही काम, फ्यूचर तो इवैल्यूएट करना ही पड़ेगा आपको, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस, फ्यूचर का एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस का प्रेजेंट वैल्यू, सो देयर इज एन एक्सपेक्टेड कैश फ्लो वाला पार्ट, सो एक्सपेक्टेड फ्यूचर का वैल्यूज को असेस करना आएगा। प्रोबेबिलिटी क्या है किसी चीज का वैल्यू होने का चांसेस, सपोज आई टेल यू देयर इज अ 20% चांस कि तुमको 100 रुपया मिलेगा, देयर इज अ 30% चांस कि तुमको 200 रुपया मिलेगा, एंड देर इज अ 50% चांस कि तुम 250 रुपया लेके आओगे, सपोज, मतलब आउट ऑफ 100 आउटकम्स, सपोज मैं 100 केसेस लेता हूं, 20 केसेस में तुम 100 रुपया कमा रहे हो, 30 केसेस में तुम 150 रुपया कमा रहे हो, और 50 केसेस में तुम 250 कमा रहे हो, राइट, दीज आर द नंबर ऑफ चांसेस एंड दिस इज द अर्निंग पर चांस, तो टोटल अगर तुम देखोगे तो 100 × 20% 115 × 30 प्लस 215 × 50 डिवाइड बाय 100 अगर करता हूं तो टोटल रेवेन्यू बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ गया, दैट इज गोइंग टू गिव यू, डोंट यू थिंक इट इज लाइक एन एवरेज, वेटेड एवरेज, तुम कुछ नहीं किया, तुम खाली वेटेड एवरेज किया, एकदम करेक्ट है, प्रोबेबिलिटी को जब वेट यूज करेंगे देन द वेटेड एवरेज, वेन यू यूज प्रोबेबिलिटी एज वेट्स, वट एवर यू गेट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब सपोज तुम्हारा मीन होता है तो क्या होता है, डब्ल्यू ए
डब्ल्यू बी डब्ल्यू सी या फ्रीक्वेंसी समझ लो, वेट समझ लो, जो भी तुम्हारा वैल्यूज होता है, लेट्स से एक्स ए एक्स बी एक्स सी, तुम्हारा फॉर्मूला क्या निकलता है, सिग्मा सॉरी मैं स्टैंडर्ड डिविएशन का लिख रहा था, दैट इज योर मीन का फॉर्मूला। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी राइट यही होता है ना, वेट की जगह प्रोबेबिलिटी डाल दो, वेट की जगह प्रोबेबिलिटी डाल दो, आंसर जो भी आएगा ना, स्क्यूनेस कर्टोसिस कुछ भी करोगे, एक्सपेक्टेड स्क्यूनेस एक्सपेक्टेड कर्टोसिस एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड डिविएशन एक्सपेक्टेड वेरिएंस एक्सपेक्टेड मीन सब एक्सपेक्टेड हो जाएगा। दूसरा चीज एक और बताओ, सिग्मा पी क्या होता है, वन समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, इफ आई टेक ऑल दी केसेस प्रोबेबिलिटी का समेशन इज वन, देखोगे दैट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, जनरली यू शुड यूज दिस नॉट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज ओल्ड स्कूल, वेट्स राइट, हाँ सॉरी सॉरी माई मिस्टेक, ठीक है ये वन है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज एवरेज, क्या बोला प्रोबेबिलिटी को वेट यूज करेंगे तो उसी चीज को एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं, तुम्हारा मीन ही जब ये था तो मीन को ही तो रिप्लेस किया मी एक्स से, मीन क्या है वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज में मैं प्रोबेबिलिटी को वेट यूज करूंगा, भाई मेरा मीन है, वेट्स का समेशन इज इक्वल टू वन क्योंकि प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी इज 100%, सो सिग्मा पी एक्स बाई सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा पी एक्स, दैट इज योर एक्स बार टेक्निकली, उसी चीज का अगर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेगा तो वही चीज में तुम क्या करता था, डब्ल्यू इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाय सिग्मा डब्ल्यू, सिग्मा डब्ल्यू इज इक्वल टू वन ये उड़ जाएगा, और एक्स माइनस एक्स बार की जगह एक्स माइनस आई कैन पुट ई एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स लिखने का तरीका है मीन, जब तुम देखो मीन हुआ ना वो मीन कैलकुलेट हुआ पास डेटा को लेकर, वही चीज अगर फ्यूचर डेटा के लिए कैलकुलेट करोगे तो उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलेंगे, एवरेज इज पास डेटा, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज वेन यू आर कैलकुलेटिंग द एवरेज यूजिंग प्रोबेबिलिटी एज द वेट, प्रोबेबिलिटी इज नॉट पास्ट का, प्रोबेबिलिटी फ्यूचर का प्रोजेक्शन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये होगा, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू इज नथिंग बट सेम कैलकुलेशन वेयर यू यूज प्रोबेबिलिटी एज वेट्स, एंड प्रोबेबिलिटी का समेशन इज इक्वल टू वन, सो तुम्हारा डिनोमिनेटर बाई डिफॉल्ट वन हो जाता है, ये होल स्क्वायर आएगा यहां पर, बोलो फॉलोइंग, सोच लो शांति से सोचो क्योंकि ये सेम एक्सपेक्टेड वाला लॉजिक को वेरियंस को रिलेशन सबका फॉर्मूला में डालेंगे,
हिसाब से स्क्यूनेस का भी अगर तुमको फॉर्मूला चाहिए although it will not be required, I'm just showing you skewness का formula क्या होता है. ये होता है weighted average, n की जगह sigma p which is 1, SD cube का भी कुछ लिखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू. वही और ये SD हुआ ना, SD क्यूब. एसडी क्यूब है पापा, अंदर एसडी डाला, यही चीज. फॉर्मूला रटा मत मारो, अपने आप समझ में आएगा. एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इनटू वेट, उसका सिग्मा वो एस क्यूब हुआ, डिवाइड बाय सिग्मा पी, दैट इज वन. लॉजिक एकदम सिंपल है, वेटेड एवरेज करना है, वेट्स को प्रोबेबिलिटी यूज करना है, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू वन. सो आई डोंट वॉन्ट कि तुम लोग चार अलग अलग फॉर्मूला रटा मारो, ट्राई करो कि ये फॉर्मूला खुद बनाने का एक बार दो बार तीन बार, उसके बाद याद हो जाएगा अपने आप. और एग्जाम में कभी कंफ्यूजन होगा ना, स्क्वायर अंदर है बाहर है, खुद कर पाओगे. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. एज यू मूव अलोंग देयर विल बी मोर एंड मोर फॉर्मूलाज एंड ऑल. पोर्टफोलियो है, फिक्स इनकम है, बहुत सारा चीज है, फॉर्मूलाज बढ़ेगा कम नहीं होगा. तो इट इज इंपॉर्टेंट कि तुम लोग फॉर्मूलाज को समझो रादर देन मग अप ब्लाइंडली. अच्छा ये रूट आएगा, इसमें बार बार रूट आ रहे हैं, इसको हटा के मैं इसको वेरियंस कर देता हूं. एसडी नहीं करता, एसडी स्क्वायर वेरियंस. हाँ कहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार होल क्यूब का सिग्मा डिवाइडेड बाय एसडी क्यूब. एसडी क्या है, सिग्मा ऑफ पी इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर. क्या हुआ, गुड. अरे बाबा इसका स्क्वायर रूट किया एस डी आया, उसका क्यूब कर दिया. जरूरत नहीं है इस फॉर्मूला का, बता रहा हूं बना सकते हो बैठकर, मन हुआ तो फॉर्मूला बना दोगे. एक्सपेक्टेड स्क्यूनेस होगा भी नहीं शायद बुक में, खुजली है तो कर सकते हो, सिंपल. एंड होना चाहिए. आई केप्ट ऑन टेलिंग ये L2 वाला लोग को भी, जितना टाइम स्पेंड करोगे इसके साथ कि ये क्यों आ रहे है, फिगर कहां से आ रहा है, जितना हो सके उंगली करो बैठ के कि ये नंबर आया तो कहां से आया, फॉर्मूला आया तो कहां से आया, ये क्यों है. क्या नहीं समझा, इंटू हाँ, नहीं 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 नहीं, इसका स्क्वायर किया प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरा वैल्यू का स्क्वायर किया प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, उस पूरा चीज का समेशन किया, उसके बाद पार थ्री बाई टू है. एक्स स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर, उसका समेशन. कैन आई से बस वही है, तुम सब चीज का स्क्वायर का समेशन कर रहे हो, उसके बाद में उसका पार थ्री बाई टू है. क्लियर, अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग प्रॉपरली, श्योर. तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू जब भी निकालना है ना, यू यूज प्रोबेबिलिटी एज वेट्स एंड व्हाट यू गेट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू. कोई भी फ्यूचर का प्रोजेक्शन करोगे एक्सपेक्टेड वैल्यू काम आएगा. अभी देयर इज समथिंग कॉल्ड अ पोर्टफोलियो कॉन्सेप्ट, कोवेरियंस कोरिलेशन कराना होगा. अच्छा ये कॉपी कर लिया था क्या, ये वाला पार्ट कॉपी कर लो खाली, वो वाला हाथ छोड़ देना. दिस वॉज व्हाट
उसका जरूरत नहीं है। एक्सपेक्टेड स्क्यूनेस का टॉस जरूरत नहीं है, एक्सपेक्टेड कोवेरियंस कोरिलेशन आएगा, डू कोवेरियंस कोरिलेशन नाउ। ठीक Try and understand what is a portfolio. What do you mean by portfolio? अपने लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो खाली एक एसेट में इन्वेस्ट नहीं करते, मल्टीपल एसेट में इन्वेस्ट करते हैं। वो सारा एसेट को जब टोटल अप कर लेते हो तो उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। से फॉर एग्जाम्पल मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं एसेट ए, एसेट बी, एसेट सी में, ठीक है। मेरे पास टोटल में 2 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया है, जो कुछ भी है, लेट्स से 2 लाख रुपया है। उसमें से मैंने 50,000 इसमें डाला, 75,000 इसमें डाला, और कीप इट 1 लाख, सो इट बी इजी। और इसमें बचा हुआ 50,000 डाला, ठीक है। ये जो क्या बोलते हैं एसेट ए है, दैट गिव्स मी अ रिटर्न ऑफ 12%, 15% एंड लेट्स से 14%, ठीक है। तो जो 50,000 डाला है उसके ऊपर कितना कमाई होगा तुम्हारा? इसका 6,000, इसका कितना हुआ, इसका कितना हुआ, टोटल कितना हुआ ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 लाख? एवरेज रिटर्न अगर बोलोगे इक्वल टू 28,000 ऑन अ टोटल ऑफ टोटल रिटर्न बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, दैट इज 14%। तुमने 14% कैसे निकाला है एक बात बताओ? दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस डिवाइड बाय सिग्मा दिस, राइट? कैन आई नॉट कैलकुलेट परसेंटेज वेटेज? इसमें 25% पैसा लगा, इसमें 50% पैसा लगा, इसमें 25% पैसा लगा, ऑफ टोटल 100%। वेट ए, वेट बी, वेट सी, आउट ऑफ टोटल कैपिटल 25% इसमें, 50 इसमें और 25 इसमें। मैं क्या कर रहा हूं? दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस डिवाइड बाय 2 लाख। कैन आई नॉट स्प्लिट द इक्वेशन दिस बाय दिस इनटू दिस प्लस दिस बाय दिस इनटू दिस प्लस दिस बाय दिस इनटू दिस? मैंने क्या किया, 50K into 14% प्लस 100K into 15% प्लस 50K into डिवाइड बाय 200K कर रहा हूं ना, द होल थिंग बाय, यही तो किया है, टोटल रिटर्न बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। कैन आई नॉट स्प्लिट दिस दैट इज व्हाट वेट ए into 12%, weight B into 15%, weight C into 14%, right? मतलब क्या है तुम्हारा एवरेज रिटर्न क्या आएगा? 25% 12 का, 50% 15 का और 25% 14 का। WA into RA, suppose these are returns, RA, so basically तुम्हारा पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या हुआ? वेट A into रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो A, weight B into रिटर्न ऑफ एसेट B plus weight of asset C into return of asset C. Is that your portfolio return or not? Bolo. Portfolio ka return is weighted average of all the individual assets ka return. Simple. Ek aur cheez yaad karo. Ek asset mein agar 10 saal invest karoge GM. Different asset mein agar 1 saal ke liye invest karoge AM. ये अरिथमेटिक मीन है, वेट्स अलग अलग हो सकता है, उस समय इक्वल वेटेड मान के किए थे अपने,
सब में 100-100 रुपया लगाए थे, यहाँ पे वो वेटेड एवरेज हो गया। एक बार कॉपी मत करो कुछ, एकदम अच्छा से ध्यान से समझो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। नाउ ये 12% कैसे आया? सपोज मैं बोल रहा हूं कि मार्केट कैन बी गुड, मार्केट कैन बी नॉर्मल, मार्केट कैन बी पुअर, स्टॉक मार्केट, ठीक है। गुड होने का चांस है 50%, नॉर्मल होने का चांस है 30%, एक्चुअली इसको करना चाहिए था ज्यादा, मार्केट अभी पुअर का चांस ज्यादा है, 20% चांस है मार्केट पुअर होने का, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा प्रोबेबिलिटीज की मार्केट कैसा होगा? यहां पर मैं बोल रहा हूं अगर मार्केट गुड हुआ तो तुम्हारा स्टॉक 15% रिटर्न देगा, अगर मार्केट नॉर्मल हुआ तो स्टॉक 12% रिटर्न देगा, अगर मार्केट पुअर हुआ तो स्टॉक खाली 1% का रिटर्न देगा। सपोज आई टेल यू दिस नाउ, ये क्या है अब इसका एक्सपेक्टेड, ये स्टॉक ए के लिए बोल रहा हूं, सपोज एम आई नॉट कैलकुलेट, कैन आई कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एसेट ए? एक्सपेक्टेड 50% चांस है ये होने का, 30% चांस है ये होने का, 20% चांस है ये होने का, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एसेट ए इज व्हाट? सिग्मा पीएक्स, विच इज व्हाट 50% ऑफ 15, 7.5, ये कितना आएगा 3.6, ये कितना आएगा 2.4, कितना होगा 3, 4, 5, 6, 7, 13.5%। That is expected return of average A, expected return of asset A, right? बोलो, नहीं समझ में आ रहा है? Sure. उसी तरीके से can I not calculate expected return of asset B, asset C? अगर मैं expected returns का weighted average लूंगा, will I not get expected return of portfolio, which is weight A into expected return of asset A, weight B into expected return of asset B, weight C into expected return of asset C? Understand? Portfolio में भी weighted average कर रहे हो, उसके अंदर जो weight, जो returns है वो भी weighted average से आया है। जब expected value निकालते हो, probability को use करते हो, उसको expected value बोलते हैं। जब investment देख रहे हो किसमें कितना पैसा लगा है, उसके हिसाब से average कर रहे हो, वो normal weighted average हो गया। तो don't get confused, होना क्या है, मेरे को 3 asset में पैसे लगाने, जिसमें जितना प्रोपोर्शन लगाओगे उसका रिटर्न उतना ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगा पोर्टफोलियो के टोटल रिटर्न में। अगर मैं एसेट एबीसी का पास रिटर्न को यूज करता हूं तो आई गेट आरपी इज इक्वल टू WARA, WBRB, WBRC। अगर मेरे को पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, तो तीनों एसेट का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालूंगा, ERA, ERB, ERC। बेस्ड ऑन देयर प्रोबेबिलिटीज ऑफ फ्यूचर रिटर्न आई विल कैलकुलेट ERA, ERB, ERC एंड उसमें कितना पैसा किस एसेट में लगाऊंगा फ्यूचर के लिए, उसको वेट यूज करके जब एवरेज निकालोगे तो वो ERP आएगा। टेक्निकली ERP इज नॉट द प्रोबेबिलिटी वेटेड ऑफ RARBRC, तुम एक्सपेक्टेड वैल्यूज का प्रोबेबिलिटी नॉर्मल वेटेज कर रहे हो, तो यहां भी तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगा। RA, ERA, ERB and ERC इज प्रोबेबिलिटी वेटेड, इनका नॉर्मल वेटेड कर रहे हो तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आ रहा है पोर्टफोलियो का, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट का एक्सपेक्टेड रिटर्न है ना, जिसमें जितना पैसा डालोगे उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो आएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि तुम लोग कंफ्यूज मत हो कि यहां पे प्रोबेबिलिटी है, यहां पे कुछ है, यहां पे कैसे वेट कर रहे हैं, मतलब वेटेड एवरेज क्यों करें। डोंट गेट कंफ्यूज, पास डेटा को यूज करके RA, RB, RC निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटीज यूज करोगे फ्यूचर का तो एक्सपेक्टेड आर ए, एक्सपेक्टेड आरबी, एक्सपेक्टेड आरसी निकलेगा। पोर्टफोलियो का वेटेड रिटर्न क्या होता है, इट इज द वेटेड एवरेज, जिसमें जितना पैसा लगाओगे उतना ज्यादा रिटर्न का रिप्रेजेंटेशन। ये फॉर्मुला ड्राइव किया अभी, डिवाइड बाय 200 के स्प्लिट करके, वेट इनटू आरए, वेट इनटू आरबी, वेट बी इनटू आरबी एंड वेट सी इनटू आरसी, दैट इज योर वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। अब वही रिटर्न्स की जगह अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न यूज करोगे तो पोर्टफोलियो का जो रिटर्न निकलेगा वो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकलेगा। सिंपल, दिस इज द वेटेड एवरेज वाला पार्ट। कौन सा? अच्छा, 4, 5, 3, 4, 5.2, 12.7। बोलो, फॉलोइंग? कॉपी करो फिर देख लेते हैं। इसका यूज करके इसको स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल के तो कैसे निकलेगा? राइट,
12.7 कितना है 15, 12, 8 बस प्रोबेबिलिटी इनटू एक्स माइनस एक्स बार प्रोबेबिलिटी इनटू एक्स माइनस एक्स बार प्रोबेबिलिटी इनटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर 0.5 स्क्वायर नहीं होगा ये इसका स्क्वायर है खाली एक्सपेक्टेड वेरिएंस निकाल सकते हैं ना ये क्या आएगा एक्सपेक्ट ये स्क्वायर है ना स्क्वायर रूट नहीं किया दिस इज एक्सपेक्टेड वेरिएंस दिस इज एक्सपेक्टेड वेरिएंस ओके डेलिया अभी लेट्स मूव ऑन टू अनदर कॉन्सेप्ट देखो अभी तक जो पढ़ रहा था तुम लोग मीन मीडियन मोड पढ़ा स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस ये सब पढ़ा स्क्यूनेस पढ़ा कर्टोसिस पढ़ा ये सब एक ही डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे से फॉर एग्जाम्पल निफ्टी का ले लो या टिस्को कोई एक स्टॉक उठा लो जुबिलेंट फूडवर्क कोई स्टॉक उठा लो कोई भी एक स्टॉक उठा लो या निफ्टी ले लो कोई इंडेक्स ले लो निफ्टी है सेंसेक्स है कुछ भी ले लो हुआ क्या अच्छा एवरेज रिटर्न इतना एवरेज से वो इस तरीके से वेरी करता था वो स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया उसके बाद डू यू हैव एन एक्सट्रीम इवेंट एक्सट्रीम नेगेटिव या एक्सट्रीम पॉजिटिव वो स्क्यूनेस आ गया इज देयर अ हायर प्रोबेबिलिटी कि मैं एक्सट्रीम इवेंट्स पे लाई करूंगा मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज पे लाई करूंगा कि देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी दैट वो स्प्रेड आउट इवनली रहेगा उससे कर्टोसिस पता चला तो अभी तक जो भी चीज का डिस्कशन हो रहा था दैट वॉज ओनली अबाउट वन डिस्ट्रीब्यूशन या तो एसबीआई का स्टॉक या निफ्टी या कोई एक चीज के बारे में वॉट इफ आई वॉन्ट अ रिलेशन टाइप का चीज अगर मेरे को दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के बीच का रिलेशन चाहिए देन वॉट सपोज एसबीआई इज योर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसका स्टॉक प्राइस है ठीक है आई वॉन्ट टू कंपेयर कि एसबीआई और इंटरेस्ट रेट कैसे मूव करता है आपस में मतलब इंटरेस्ट रेट जब 4% था एसबीआई का स्टॉक प्राइस 240 था इंटरेस्ट रेट सॉरी 8.4 कर दो 8.6 हुआ तो एसबीआई का प्राइस रिड्यूस टू 231 जब इंटरेस्ट वापस बढ़ा 8.9 हुआ तब इसका प्राइस गिर के 210 हो गया अब इंटरेस्ट रेट को कट करके 7.5 किया तो उस समय इसका प्राइस बढ़ के 246 था सो जनवरी 1 जनवरी 2 जनवरी 3 करके मैं 250 डेटा कैलकुलेट किया ठीक है हर एक एसबीआई मतलब जनवरी 1 का एसबीआई जनवरी 1 का इंटरेस्ट जनवरी 2 जनवरी 2 यू कैन नॉट मेस दैट अप ठीक है इसका एवरेज प्राइस इसका स्टैंडर्ड डिविएशन इसका स्क्यूनेस की एक बहुत ही मैक्सिमम या बहुत ही वियर्ड वैल्यूज हुआ एक्स्ट्रा पॉजिटिव एक्स्ट्रा नेगेटिव और वही चीज इसके साथ भी कर सकते हो करेक्ट वो तो वन डिस्ट्रीब्यूशन है दिस इज वन डिस्ट्रीब्यूशन है एसबीआई का डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है दिस तो इसके द्वारा इंटरेस्ट रेट कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है सपोज मेरे को दोनों चीज को कंबाइन करके स्टडी करना है मतलब मेरे को ये जानना है कि जब एसबीआई देखो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है एसबीआई गिरा इंटरेस्ट रेट बढ़ा एसबीआई गिरा जब इंटरेस्ट रेट गिरा एसबीआई बढ़ा आई वॉन्ट टू फाइंड एन इक्वेशन सपोज आई वॉन्ट टू फाइंड एन इक्वेशन कि एसबीआई इज इक्वल टू लेट से 200 प्लस 5 टाइम्स इंटरेस्ट रेट और माइनस 5 टाइम्स इंटरेस्ट रेट तो जब इंटरेस्ट रेट 8% है तो एसबीआई का प्राइस कितना इसको 200 कीजिएगा 300 कर देगा सपोज मतलब इंटरेस्ट 8% है तो एसबीआई कितना 300 × 5 × 8 = 40 मतलब 260 जब रेट 9 हो जाएगा तो इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए तो वैल्यू कितना होना चाहिए सपोज उसको 15 ज्यादा हो जाएगा 5 ही रहने दो क्या फर्क पड़ेगा 5 × 45 तो वैल्यू 255 हो जाएगा जब रेट 9% होगा मतलब आई वॉन्ट एन इक्वेशन इज इन देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन एसबीआई एंड इंटरेस्ट रेट इनवर्स है लेकिन रिलेशन है मेरे को सपोज रिलेशन फाइंड आउट करना है तो आपका मीन मीडियन मोड स्क्यूनेस कटऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑल इज नॉट गोइंग टू हेल्प व्हाट विल हेल्प इज कोवेरियंस या कोरिलेशन मतलब ये इक्वेशन देखो
ये इक्वेशन का मतलब है फॉर एवरी वन यूनिट राइज इन इंटरेस्ट एसबीआई फॉल्स बाय फाइव यूनिट, फॉर एवरी वन यूनिट राइज इन इंटरेस्ट एसबीआई फॉल्स बाय फाइव यूनिट, इसका मतलब यही है ना इक्वेशन का, फॉलोइंग इस तरह का इक्वेशन फॉर्म करना है मेरे को, फाइंड आउट करना है रिलेशन क्या है। पहले तो ये बताओ कि एसबीआई बढ़ता है तो रिलेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ता है कि एक बढ़ता है तो दूसरा गिरता है, यहां पर गिरता है, सपोज आई वांट टू फाइंड आउट दैट, एंड उसके बाद एक बढ़ता है तो दूसरा कितना बढ़ता है, एक गिरता है तो दूसरा कितना गिरता है, आई वांट टू फाइंड आउट दैट, राइट, दीज आर द थिंग्स आई एम लुकिंग एट। उसके लिए व्हाट वी स्टडी इज कोवेरियंस कोरिलेशन, ये इक्वेशन पे बाद में आऊंगा वापस, तो इसका कोवेरियंस निकालने के लिए व्हाट वी डू इज द फॉर्मूला इज, तुम लोग का फॉर्मूला किया हुआ है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एन, ये फॉर्मूला क्या था तुम लोग कोवेरियंस का, एक्सपेक्टेड कोवेरियंस क्या होगा, प्रोबेबिलिटी वेटेड एक्स माइनस सिग्मा पी विच इज वन, यही होगा ना, बोलो क्लियर टू हियर, एक एक का इसका प्रॉबिलिटी इसका प्रॉबिलिटी इसका प्रॉबिलिटी हर एक इवेंट का ना, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री सबका प्रॉबिलिटी पी वन पी टू पी थ्री होगा, विल डू अ सम ऑल्सो ऑन दिस डोंट वरी, बोलो ठीक है। उसके बाद ट्राई एंड अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स, से फॉर एग्जाम्पल तुम 20 माइनस 25 किया एंड यहां पे 15 माइनस 12 किया, तो हुआ क्या, वैल्यू कितना आएगा, 20 माइनस 25 इज व्हाट 5 माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15, यही चीज को परसेंट को अगर मैं डेसिमल में करके करूंगा तो माइनस 0.0015 आएगा, मतलब कोवेरियंस डिपेंड्स ऑन यूनिट, कोवेरियंस का यूनिट क्या, यूनिट स्क्वायर, 25 किलोमीटर माइनस 10 किलोमीटर इज 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर इज 2.5 टाइम्स, 25 किलोमीटर से 10 किलोमीटर माइनस करोगे 15 किलोमीटर आएगा, 25 किलोमीटर को डिवाइड करोगे 10 किलोमीटर से ढाई गुना डिस्टेंस आएगा, दैट डज नॉट हैव यूनिट्स, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, यूनिट कैंसिल होता है डिवाइड मल्टीप्लाई में, किलोमीटर 5 किलोमीटर डिवाइड बाय 1 आवर 5 किलोमीटर पर आवर, फॉलोइंग 5 किलोमीटर माइनस 1 आवर कर ही नहीं सकते, नहीं वर्क करेगा, समझ में आ रहा है, कोवेरियंस क्या है, यूनिट स्क्वायर हो गया ना, यूनिट इंटू यूनिट, यूनिट स्क्वायर 25% स्क्वायर 15% स्क्वायर, कोवेरियंस में प्रॉब्लम है, कोवेरियंस अगर पॉजिटिव आएगा इसका मतलब एक चीज बढ़ता है तो दूसरा बढ़ता है, एक चीज गिरता है तो दूसरा गिरता है, कोवेरियंस पॉजिटिव मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप, और कोवेरियंस नेगेटिव मतलब इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, लॉजिक क्या है, अगेन 1 2 3 4 5 एंड सपोज 10 20 30 40 50, इसका कोरिलेशन क्या है, एकदम डायरेक्ट है, एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है, इसका एवरेज क्या है, दिस, अब देखो दिस इंटू दिस, दिस माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, अब ये माइनस ये है तो सोचो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, कोवेरियंस क्या आएगा, पॉजिटिव। इसी चीज को उल्टा तरीके के से लिख के दिखाता हूं, 1 2 3 4 5 50 40 30 20 10, एवरेज ये है, x माइनस एक्स बार y माइनस y बार करोगे, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, सो इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन, मतलब क्या होगा, इवेंचुअली योर आंसर शुड बी व्हाट, नेगेटिव। अगर उल्टा डायरेक्शन में है, उल्टा डायरेक्शन मतलब क्या है, तुम जब कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज करते ना, एक्स वन माइनस एक्स बार, वाई वन माइनस वाई बार, मतलब एक बढ़ा हुआ है तो एक घटा हुआ है, मतलब तुम एवरेज के कंपैरिजन में करोगे तो एक एवरेज के ऊपर होगा एक नीचे होगा हमेशा, तो दोनों का डिफरेंस को मल्टीप्लाई करोगे, साइन बिकम्स इंपॉर्टेंट, एसडी में साइन इज गॉन स्क्वेड, एसडी में तो अपने डिविएशन देखते हैं एवरेज से, तो साइन तो गया, इट्स स्क्वेड अप, यहां पर डिविएशन नहीं देखते, यहां पर
मेरा मीन के कंपैरिजन में क्या डिफरेंस है विथ रिस्पेक्ट टू इसका मीन के कंपैरिजन में क्या डिफरेंस है, एक मीन से बड़ा है एक मीन से छोटा है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शंस में वर्क कर रहा है, राइट right? तो कोवेरियंस नेगेटिव मतलब उल्टा डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोवेरियंस पॉजिटिव मतलब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कोवेरियंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, आज तुम ये 150,000 है, तुम इसको 1,50,000 लिखेगा तो कोवेरियंस बहुत बड़ा नंबर आएगा, वही फिगर को हम इन लैक्स कर दिया तो फिगर छोटा आएगा। तो मतलब इफ आई टेल यू कोवेरियंस इज 100 और इफ आई टेल यू कोवेरियंस इज 1,00,000, यू कैन नॉट से कि कोवेरियंस मतलब कितना स्ट्रांगली रिलेटेड है दोनों एसेट, यू कैन नॉट से कि कितना स्ट्रांगली एसेट रिलेटेड है। और दूसरा उसका यूनिट इज देयर, यूनिट स्क्वायर, यूनिट इंटू यूनिट यूनिट स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिविएशन याद करो, क्लास में जब स्टैंडर्ड डिविएशन वेरियंस कराया था तब बताया था कि वेरियंस को स्क्वायर रूट क्यों करते हैं टू स्टैंडर्डाइज, बिकॉज वेरियंस का यूनिट क्या होगा, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर्ड, यूनिट स्क्वायर्ड इज द यूनिट ऑफ वेरियंस, उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं। बोलो फॉलोइंग क्लियर? सो कोवेरियंस को स्टैंडर्डाइज करने का तरीका क्या हुआ, कोवेरियंस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए ऐसे भी लिखते हैं, सिग्मा एक्स वाई भी लिखते हैं इसको, क्योंकि सिग्मा एक्स का मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स है और ये एक्स वाई कर दोगे तो इसको कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई बोलेंगे, दैट इज इक्वल टू, सॉरी क्या लिखा, इसको रो से डिनोट करते हैं, आर इज कोरिलेशन, कोवेरियंस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए अपने कोवेरियंस को डिवाइड करते हैं सिग्मा एक्स सिग्मा वाई से। तुम देखो यूनिट यूनिट कट जाएगा, यूनिट इनटू यूनिट, यहां पे लाइक सपोज परसेंटेज परसेंटेज बाय परसेंटेज परसेंटेज कट गया, कोरिलेशन विल ऑलवेज रेंज बिटवीन -1 and 1, ये सब किया है तुम लोग 11th 12th में स्कूल में, कोरिलेशन इज इक्वल टू -1 से 1 के बीच में, आई विल एक्सप्लेन यू अ फ्यू थिंग्स, बहुत क्लियर हो जाएगा फिर, 2 मिनट थोड़ा सा होल्ड करना। से फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ डेटा लाइक दिस, अगर इस तरीके का स्ट्रीम है दैट इज कोरिलेशन इज इक्वल टू 1, अगर इस तरीके का स्ट्रीम है दैट इज कोरिलेशन इज इक्वल टू -1, अगर इस तरीके का स्ट्रीम है कोरिलेशन इज लेट्स से 0.8+, अगर कोरिलेशन इज लेट्स से 0.4 एंड 0.8 के बीच में, यही चीज इस तरीके से होता तो -0.8 और -0.4 के नीचे होता, इसको परफेक्टली परफेक्ट कोरिलेशन बोलेंगे, परफेक्ट पॉजिटिव, ये परफेक्ट नेगेटिव, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, भूल रहा हूं, हाई कोरिलेशन हाई पॉजिटिव कोरिलेशन क्या बोलते हैं इसको बताओ, शुड बी नोइंग, नहीं यार रिलेटिवली समथिंग हाई कोरिलेशन बोलेंगे, दिस इज हाई कोरिलेशन, दिस इज रिलेटिवली लो कोरिलेशन, दिस इज जीरो कोरिलेशन, तो स्कैटर प्लॉट हो गया नॉर्मल। अब एक बात समझो, एक बार लिखना लिखना छोड़ दे, एक बार ये इक्वेशन देखो, लेट्स से आई गिव यू एन इक्वेशन y इज इक्वल टू d0 7 - 7+2.8x, ठीक है, यहां पर क्या है, इक्वेशन है y और x के बीच में, y का वैल्यू डिपेंड्स ऑन x का वैल्यू, SBI का प्राइस डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट डज नॉट डिपेंड ऑन SBI का प्राइस, ठीक है, मैंने एक इक्वेशन निकाला कि y इज इक्वल टू 7+2.8x का मतलब जब x 0 है y इज इक्वल टू 7, जैसे जैसे एक यूनिट x बढ़ेगा y विल इंक्रीज बाय 2.8, जब x एक यूनिट बढ़ेगा y 2.8 बढ़ेगा ना, x 2 है तो y इतना होगा 7+2.8 × 2, 2 को 3 करोगे तो x 2 से 3 होगा तो y 2.8 बढ़ रहा है ना, फॉर एवरी 1 यूनिट इंक्रीज इन x y इज इंक्रीजिंग बाय 2.8 यूनिट्स, राइट, दिस इज ओके, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इसमें भी यही इक्वेशन आएगा, इसमें भी एक्चुअली इसका इक्वेशन निकालोगे तो इसका एक स्ट्रेट लाइन निकालेंगे अपने और उसको भी अपने इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, कोरिलेशन 0.8, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, बी वेरी केयरफुल,
अगर x एक यूनिट बढ़ता है तो y हमेशा 2.8 यूनिट बढ़ता है, अगर x एक यूनिट गिरता है y हमेशा 2.8 यूनिट गिरता है, नॉट लेस देन 2.8, नॉट मोर देन 2.8। इस इक्वेशन का बात करोगे, x एक यूनिट बढ़ेगा y 2.8 यूनिट गिरेगा, और x एक यूनिट अगर गिरेगा तो y 2.8 यूनिट बढ़ेगा। ये क्लियर है? इसका मतलब क्या होगा पता है? इसका मतलब x एक यूनिट बढ़ता है तो y कभी 2.6 बढ़ता है, कभी 2.7, कभी 2.8, कभी 2.9, कभी 3, एक नैरो रेंज में। इट इज नॉट अ परफेक्ट कोरिलेशन, मतलब ऐसा नहीं, मतलब क्या है कोरिलेशन का मतलब क्या है? x और y का रिलेशन, ये क्या है, x का चेंज डिटरमिन्स चेंज इन y, चेंजेस इन x इंटरेस्ट में कैसे चेंज होगा वो डिटरमिन करेगा कि SBI का प्राइस कितना और कैसे चेंज होगा। यही मतलब हुआ ना कोरिलेशन का, ये इक्वेशन का मतलब यही हुआ। अपने दो अलग अलग वेरिएबल x और y के बीच में रिलेशन निकालने का कोशिश कर रहे हैं कि x अगर चेंज होता है तो y में किस तरीके से कितना क्या चेंज होगा। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, राइट? यहां पर अगर x में एक यूनिट का चेंज होगा, y में हमेशा 2.8 यूनिट का चेंज होगा, दैट इज कोरिलेशन वन। इसका मतलब कोरिलेशन 2.8 नहीं है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अगर x में एक यूनिट चेंज होता है, y में हमेशा अगर सेम ही चीज का चेंज होगा, दैट इज कोरिलेशन वन। क्यों? 100% चेंज इन y इज बीइंग एक्सप्लेन बाय x। कोरिलेशन कम होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि x में चेंज होगा तो y में चेंज कमती होगा, y में चेंज विल नॉट बी एग्जैक्ट। कोरिलेशन इज नॉट परफेक्ट, मतलब x एंड y आर नॉट परफेक्टली कोरिलेटेड, एक दूसरे को 100% डिटर्मिन नहीं कर रहा है, कभी 2.6, कभी 2.7, कभी 2.8, कभी 2.9, मतलब एक नैरो रेंज में उसके आसपास बढ़ता है, कभी थोड़ा ज्यादा कभी थोड़ा कम, एक्चुअल वैल्यूज आर अराउंड द लाइन। और जब कोरिलेशन और कमती हो गया, लाइन बनाओगे तो कभी 2, कभी 3.5, कभी 3.7, कभी 4.2, मतलब वो 2.8 से और ज्यादा वेरिएशन बढ़ रहा है, मतलब x इज नॉट बीइंग एबल टू डिटरमिन y का वैल्यू मोर एक्यूरेटली। कोरिलेशन क्या बता रहा है कि x जितना चेंज होता है y हमेशा उतना ही चेंज होगा। कोरिलेशन वन डज नॉट मीन कि x वन यूनिट चेंज होगा तो y वन यूनिट चेंज होगा। दिस इज b1, दिस इज व्हेन यू राइट दिस इक्वेशन, b0 प्लस b1x। x एक यूनिट चेंज होगा तो y कितना चेंज होगा वो b1 बताता है, कोएफिशिएंट। x एक यूनिट चेंज होगा तो y हमेशा b1 चेंज होगा कि नहीं वो कोरिलेशन बताता है। अगर कोरिलेशन 1 है तो x का एक यूनिट चेंज से y विल ऑलवेज चेंज बाय b1। अगर कोरिलेशन जितना कम होगा वो b1 उतना इनएक्यूरेट होता जाएगा। बोलो, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज कोरिलेशन? ये जो लाइन फॉर्म करने का तरीका होगा ना, जिस तरीके से इक्वेशन निकलता है b0 प्लस b1x, उसको रिग्रेशन बोलते हैं। 11-12 में यही कोरिलेशन रिग्रेशन पढ़ा था मैथ्स में। कोरिलेशन इज व्हेन यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अगर एक वेरिएबल दूसरा को एकदम परफेक्ट लाइन फॉर्म कर सकते हो, मतलब ये जितना चेंज होगा हमेशा वाई उतना ही से चेंज होगा, दैट इज परफेक्ट कोरिलेशन। उल्टा डायरेक्शन में हमेशा उतना ही होगा, दैट इज परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड, हाईली पॉजिटिवली कोरिलेटेड, लो पॉजिटिव कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन। बेसिकली यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई इफ योर कोरिलेशन इज जीरो। इसी b1 का फॉर्मूला इज आर एक्स वाई डिवाइड इंटू सिग्मा वाई बाई सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स, मतलब कोरिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग, वो सब करेंगे आगे। रिग्रेशन आएगा तुम्हारा लेवल 2 का क्वांट्स में। ये लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो लेवल 2 का क्वांट्स में आएगा, बाकी पोर्टफोलियो में भी लगेगा बार बार, करेंगे अपने। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, x एक यूनिट बढ़ेगा, कोरिलेशन 1 का मतलब ये नहीं है कि y भी एक यूनिट बढ़ेगा। x एक यूनिट बढ़ेगा तो क्या y by सेम अमाउंट बढ़ेगा या घटेगा एवरी टाइम? दैट इज कोरिलेशन 1। y will increase in a narrow range ऊपर नीचे, that is correlation highly positive or highly negative, following? And correlation जितना कम होगा उतना ये equation खराब होगा। दो asset के बीच में कोई relation है कि नहीं उसके लिए correlation या covariance लगेगा। Covariance positive होगा तो बताएगा कि एक asset बढ़ेगा तो एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक गिरेगा तो दूसरा भी गिरेगा। और कोवेरियंस या कोरिलेशन नेगेटिव होगा तो वो बताएगा कि एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा गिरेगा, एक गिरेगा तो दूसरा बढ़ेगा। बट एक बढ़ेगा तो दूसरा कितना बढ़ता है उसके अकॉर्डिंगली इज इट ग्राफ कैसा बनेगा वो कोरिलेशन बता पाएगा, कोवेरियंस नहीं बता पाएगा। इफ आई टेल यू कोवेरियंस इज 400,000, इट कुड बी दिस वन, एंड कोवेरियंस ऑफ 500 कुड बी दिस वन। डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा।
कोवेरियंस गिव्स यू द डायरेक्शन बट नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप. कोरिलेशन गिव्स यू द डायरेक्शन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिकॉज कोरिलेशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी रेंजिंग बिटवीन माइनस वन एंड वन. जीरो कोरिलेशन, पॉजिटिव मतलब डायरेक्शन ऊपर, नेगेटिव मतलब डायरेक्शन नीचे. कितना वो लाइन के ऊपर बैठ रहा है, हायर द कोरिलेशन. परफेक्ट लाइन पर बैठेगा, कोरिलेशन वन. टेक्निकली कोरिलेशन स्क्वायर करोगे ना, कोरिलेशन स्क्वायर इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन. ऐसे बता रहा हूं, आएगा लेवल टू में. मतलब क्या, अगर वहां कोरिलेशन वन है, इसका मतलब वन स्क्वायर इज व्हाट, 100%. दैट मीन 100% चेंज इन वाई इज एक्सप्लेन बाई एट. अगर कोरिलेशन 0.8 है ना, इसका मतलब 0.8 स्क्वायर कितना हुआ, 0.64. 64% चेंजेस इन वाई आर एक्सप्लेन बाय एक्स. मतलब एसबीआई, अगर एसबीआई और इंटरेस्ट रेट का कोरिलेशन 0.8 आया, इसका मतलब 64% चेंज इन एसबीआई इज बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट, और बाकी जो एसबीआई का 36% चेंज है वो कोई और रीजन से हुआ है. बाकी जो 36% चेंजेस इन एसबीआई का प्राइस आया है, दैट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन. 64% चेंजेस हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ चेंजेस इन एक्स. कोरिलेशन स्क्वायर, कोरिलेशन नॉट ओनली गिव्स यू द डायरेक्शन बट ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशन. कोवेरियंस खाली डायरेक्शन बताता है लेकिन लेवल ऑफ उनका रिलेशन नहीं बताता है. कोवेरियंस बोलो फॉलोइंग, दैट इज कोवेरियंस एंड कोरिलेशन. कोरिलेशन में क्या है, तुम कोवेरियंस का एक्सपेक्टेड डालेगा तो यहां पर एक्सपेक्टेड एसडी डालेगा, फॉर्मूला आ जाएगा, अलग से बनाने का जरूरत नहीं है. कोरिलेशन इज स्टैंडर्डाइजिंग कोवेरियंस. देखो यूनिट फ्री बन रहा है, यूनिट स्क्वायर डिवाइड बाय यूनिट यूनिट, इट इज स्टैंडर्डाइजिंग. एक और चीज, अच्छा यू कैन टेक दिस डाउन एक्चुअली. ये बुक में भी है, मार्क कर सकते हो बुक में डायग्राम्स. आगे पीछे कहीं होगा, नहीं दिया है, दूसरा कोई चैप्टर में दिया होगा, 172 में मार्क कर लो. इसका बात कर रहा था एंड फॉर्मुलाज के लिए बोल रहा हूँ, प्लीज लूज शीट अपना बुक में रखना एंड स्टार्ट राइटिंग ऑल द फॉर्मुलाज. एग्जाम के टाइम में बहुत काम आएगा, स्क्यूनेस कटोसिस कुछ भी है फॉर्मुला, उसको अपने हिसाब से लिखो. क्या होगा ना, तुम्हारे हैंडराइटिंग के हिसाब से तुम इजी होगा टू अंडरस्टैंड. ऐसे तो बुक के पीछे भी फॉर्मुला का लिस्ट दिया है, आई विल ऑल्सो गिव यू, बट उसमें फिर क्या होगा ना, तुम अपना एड कर सकते हो, मतलब कुछ कुछ लिखना हो एक्स्ट्रा, यू कैन राइट इट. तो पढ़ते समय अलग से फॉर्मुला शीट नहीं बनेगा, पढ़ते पढ़ते जब फॉर्मुला दिखाओ शीट में एड कर दिया, तो लूज शीट बुक में डाल के रख लो. And make your own formula sheets. It will be very helpful. So, कभी भी दो asset, मतलब दो अलग अलग चीजों के बीच का relation समझना होगा तो covariance correlation रखेगा. एक ही distribution का mean, median, mode, skewness, cut, मतलब एक distribution को study करेंगे तो वो चारों पांचों चीज देखेंगे. जब दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के बीच का रिलेशन समझना है तो कोवेरियंस कोरिलेशन करना पड़ेगा और उनका इक्वेशन निकालना है, तो वो रिग्रेशन करके इक्वेशन आता है. रिग्रेशन तुम लोग का डिटेल्स में क्वांट ये लेवल टू में आएगा, ठीक है. दैट इज योर कोवेरियंस एंड कोरिलेशन पार्ट. कोवेरियंस में एक प्रोबेबिलिटी को वेट लोगे तो एक्सपेक्टेड कोवेरियंस आएगा. दैट सिंपल फॉर्मूला दे दिया तुम लोग को. अभी इसका एप्लीकेशन देखो, हाउ डू वी अप्लाई दिस, ये यूज कहां आएगा सोचो. लॉजिकली थिंक, से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पोर्टफोलियो है, वो पोर्टफोलियो में मेरे पास दो एसेट है. पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे कैलकुलेट करोगे, दोनों एसेट का वेटेड एवरेज रिटर्न WARA WBRB, वो तुम्हारा रिटर्न आ गया. स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या करोगे, WA सिग्मा A प्लस WB सिग्मा B. मैंने रिटर्न में तो WARA WBRB कर दिया है, आरपी इज WARA प्लस WBRB, दैट इज फाइन. आई एम आस्किंग कि अगर तुमको सिग्मा पी करना है, कैन यू डू WA सिग्मा A प्लस WB सिग्मा B?
लेट्स सी व्हाई वी कांट, नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते समझो। एक बात बताओ, दो एसेट है, अगर एक एसेट बढ़ता है और एक एसेट गिरता है तो उनका ऑन एन एवरेज डोंट यू सी वॉलिटिलिटी लो हो जाएगा उनका, क्योंकि एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। एक एसेट बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक गिरेगा तब दूसरा गिरेगा, तो इन टोटालिटी डोंट यू सी दैट रिटर्न्स आर गोइंग टू बी वेरी हाई लो टाइप्स। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो पोर्टफोलियो का रिटर्न्स तो काफी नैरो रेंज में आ जाएगा, क्योंकि हाई लो दोनों को बैलेंस कर लेगा। मतलब अगर नेगेटिव, अगर कोरिलेशन पॉजिटिव है कि ए ऐसे मूव करता है, बी भी उसी के साथ मूव करता है, तो तुम्हारा पोर्टफोलियो भी तो ऐसे ही मूव करेगा। लेकिन अगर तुम्हारा ए ऐसे मूव करता है और बी इस तरीके से मूव करता है, तो इन दोनों का रिटर्न्स लोगे तो डोंट यू सी पोर्टफोलियो इज मूविंग लाइक दिस। मतलब इसमें पोर्टफोलियो का एसडी इज गोइंग टू बी लो और इसमें पोर्टफोलियो का एसडी इज गोइंग टू बी हाई। इसमें एसडी विल बी हाई, इसमें एसडी विल बी लो ना पोर्टफोलियो का, बिकॉज देखो तुम्हारा रिटर्न इतना नैरो रेंज में मूव कर रहा है और यहां तुम्हारा रिटर्न पोर्टफोलियो का ऊपर नीचे धूमधाम हो रहा है। ऑब्वियसली सिग्मा पी इज हाई एंड सिग्मा पी इज लो ओवर हियर। सिग्मा पी इज हाई, सिग्मा पी इज लो, इसका मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन इज नॉट जस्ट ए का स्टैंडर्ड डिविएशन और बी का जोड़ दिया, तुमको ए और बी का रिलेशन भी चेक करना पड़ेगा कि वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है कि नेगेटिवली कोरिलेटेड है। ये तो तुम लोग खुद बता रहे हो कि अगर पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करता है, तो तुम्हारा सिग्मा पी हाई होना चाहिए। अगर दोनों उल्टा डायरेक्शन में मूव करता है तो तुम्हारा सिग्मा पी लो होना चाहिए। ये तो तुम लोग भी अग्री कर रहा है। इसका मतलब मेरे इक्वेशन में कोरिलेशन होना जरूरी है सिग्मा पी का। तुम एसेट का रिटर्न्स को तो वेटेड एवरेज कर सकता है, लेकिन एसेट का स्टैंडर्ड डिविएशन को वेटेड एवरेज नहीं कर सकता। तुमको कोरिलेशन का इंपैक्ट को लेना पड़ेगा पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने में, क्योंकि अगर दोनों को एसेट्स नेगेटिवली कोरिलेटेड होगा या लो कोरिलेशन होगा तो देयर विल बी बेनिफिट, योर रिस्क विल रिड्यूस। बोलो समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट? कम रिस्क क्यों होगा? क्योंकि तुम दोनों का रिटर्न, अगर पोर्टफोलियो अपने सिग्मा पी निकाल रहे, मतलब आरपी का स्टैंडर्ड डिविएशन, तुम्हारा अगर एक का रिटर्न इधर एक का इधर है तो ऑन एन एवरेज इधर हुआ, ये दोनों इधर है तो इधर, इन दोनों का एवरेज इधर, इन दोनों का एवरेज इधर, दोनों इधर है तो इधर, मतलब योर आरपी इज इन अ वेरी नैरो रेंज। तुम आर ए आरबी को कंबाइन कर लिया तो आर ए आरबी का नैरो रेंज मतलब क्या? इट्स वेरी मच क्लोज टू मीन, मतलब क्या है एसडी लो। आरपी का सिग्मा दैट इज आर ए आरबी का कॉम्बिनेशन का सिग्मा। अगर आर ए आरबी का कॉम्बिनेशन दोनों एक डायरेक्शन में है तो उसका कॉम्बिनेशन भी तो ऊपर नीचे ऐसे जाएगा, लेकिन अगर दोनों उल्टा है तो उसका टोटल रिटर्न तो एवरेज आउट हो जाएगा, एक बहुत ही नैरो रेंज में वर्क करेगा। तो आरपी का सिग्मा बहुत लो हो गया ना। बोलो फॉलोइंग। मतलब तुम्हारा सिग्मा पी का फॉर्मूला देखो, कैन आई नॉट सब्स्टिट्यूट कोवेरियंस ए कॉमा बी विथ कोरिलेशन? सो कोवेरियंस इज आर इंटू सिग्मा इंटू सिग्मा, कोवेरियंस इज आर इंटू सिग्मा इंटू कोरिलेशन इंटू कोरिलेशन क्या होता है? कोवेरियंस ए बी बाई सिग्मा ए सिग्मा बी। तो कोवेरियंस ए बी कैन आई नॉट सब्स्टिट्यूट विथ आर ए बी इंटू सिग्मा बी? खाली कोवेरियंस सब्स्टिट्यूट किया और कुछ नहीं किया, कर सकते हैं ना? राइट, नाउ दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ ये रिस्क वाला पार्ट। अभी देखो तुम्हारा कोरिलेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है? वन, आर इज इक्वल टू वन, तब ये इक्वेशन का वैल्यू देखना क्या होगा? आर इज इक्वल टू माइनस वन करोगे तब देखना इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा। जब आर इक्वल टू वन लोगे, डब्ल्यू ए सिग्मा होल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू बी सिग्मा बी होल स्क्वायर प्लस टू डब्ल्यू ए सिग्मा ए डब्ल्यू बी सिग्मा बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। राइट, मतलब आर इक्वल टू वन है तो सिग्मा पी क्या है? इसका स्क्वायर रूट ले लिया सिग्मा स्क्वायर पी, इसका होल स्क्वायर ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर,
सिग्मा स्क्वायर पी वॉज ए प्लस बी होल स्क्वायर, या फिर इसको राइट सिग्मा पी डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू ए सिग्मा प्लस डब्ल्यू बी सिग्मा बी और आर माइनस वन हुआ तो सिग्मा पी इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये माइनस वन होगा तो क्या होगा डब्ल्यू ए सिग्मा होल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू बी सिग्मा बी होल स्क्वायर माइनस टू इंटू डब्ल्यू ए सिग्मा ए डब्ल्यू बी सिग्मा बी ए माइनस बी होल स्क्वायर डब्ल्यू ए सिग्मा ए माइनस बी होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है ए माइनस बी नहीं होता है आइदर ए माइनस बी और बी माइनस ए दैट इज डब्ल्यू ए सिग्मा ए एंड डब्ल्यू बी सिग्मा बी का डिफरेंस इन एनी मैनर वो डिफरेंस का साइन ये होता है इट कुड बी डब्ल्यू ए सिग्मा माइनस डब्ल्यू बी सिग्मा बी और डब्ल्यू बी सिग्मा बी माइनस डब्ल्यू ए सिग्मा है तो वो डिफरेंस का साइन ले लिए डिफरेंस ऑफ दिस टू इट कुड बी एनी वेज दैट इज योर सिग्मा पी बोलो करेक्ट मतलब समझो एसेट को अगर कंबाइन कर दिए अगर एसेट परफेक्टली कोरिलेटेड है तो तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन इज वेटेड एवरेज पोर्टफोलियो लोग क्यों बोलते हैं कि थोड़ा सा हेल्थ केयर थोड़ा सा आयरन एंड स्टील सब तरीके का स्टॉक रखना चाहिए एक जगह पैसा मत लगाओ डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट ट्राई टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो अलग अलग टाइप का कंपनी अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करो थोड़ा रियल एस्टेट थोड़ा कमोडिटी थोड़ा इक्विटी में लगाओ इक्विटी में लगा रहे तो थोड़ा फार्मा थोड़ा बैंकिंग थोड़ा एफएमसीजी ऐसे करो व्हाई बिकॉज अलग अलग इंडस्ट्री का कोरिलेशन इज लो कोरिलेशन लो होगा तो तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो विल फॉल कोरिलेशन गिरेगा तो तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन या रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो विल फॉल इसीलिए लोग बोलते हैं कि अलग अलग टाइप का सिक्योरिटी में अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग इंडस्ट्री में पैसा लगाना चाहिए योर कोरिलेशन ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ द फैक्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो फॉल्स अगर कोई कोरिलेशन मतलब अगर कोरिलेशन सब में पॉजिटिव है तब तुम्हारा कोई फायदा नहीं हुआ डाइवर्सिफाई करके योर रिस्क इज इक्वल टू वेटेड एवरेज ऑफ रिस्क द मोमेंट कोरिलेशन मैक्सिमम वन से ज्यादा हो ही नहीं सकता मतलब कोई फायदा नहीं है एसेट कंबाइन करके तो तुम्हारा पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आएगा सिंपल वेटेड एवरेज ऑफ एसटी बट अगर बेनिफिट्स मतलब अगर कोरिलेशन गिरना चालू हुआ सो योर पोर्टफोलियो एसडी विल फॉल इट विल बी लेस देन द वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड डिविएशन माइनस वन इज द लीस्ट दैट कैन हैपन माइनस वन इज द लीस्ट स्टैंडर्ड डिविएशन दैट यू कैन अचीव लोएस्ट बोलो समझ में आया तो जितना कोरिलेशन कम होगा उतना डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट हाई होगा कोरिलेशन लो मतलब क्या यू आर हैविंग अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रिस्क गोज डाउन You are diversifying across different assets, across different securities. If you diversify, your portfolio risk goes down. Correlation low, diversification high. Diversification high होगा, correlation low होगा. अलग-अलग चीज़ होगा, तो correlation low होगा ना, जितना variety होगा, उतना उनके बीच में relation कमजोर होगा. That is correlation is low when your variety is more, when you are diversifying across different stuff. Your correlation is low and your portfolio SD is low. बोलो, got it? ये अगर एसेट में दो एसेट पोर्टफोलियो के लिए इक्वेशन दिया है एसेट कुड बी ए बी सी ऑल्सो एसेट कुड बी उससे ज्यादा ऑल्सो उसका इक्वेशन से वहां है ठीक है वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर नेक्स्ट डे वहां से वी विल स्टार्ट नेक्स्ट डे ये वाला तक एकदम थारली करके आना ये वाला चीज ना ये इक्वल नहीं है ना अगर आर इक्वल टू वन देन दिस द फॉर्मूला इफ आर इज इक्वल टू माइनस वन देन दिस द फॉर्मूला आर तो कुछ भी हो सकता है तुम्हारा ये तो स्पेसिफिक दो केस दिए हम कि अगर आर इज इक्वल टू वन देन दिस द इक्वेशन इफ आर इज माइनस वन देन दिस द इक्वेशन दिस इज फॉर अ स्पेसिफिक केस नॉट जनरल नहीं तो इसके बाद तीन एसेट का पोर्टफोलियो का डेफिनेशन लिख लो करा देते थोड़ा
ये वाला गलत है, मत लिखना, इनकम्प्लीट है मतलब। अरे दिस वाला, ये वाला बता रहा हूं, ये वाला में अगर तीन एसेट पोर्टफोलियो होगा, डब्ल्यू ए स्क्वायर सिग्मा ए स्क्वायर डब्ल्यू बी स्क्वायर सिग्मा बी स्क्वायर टू डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी कॉब ए बी हो गया, तीन एसेट है डब्ल्यू सी स्क्वायर सिग्मा सी स्क्वायर प्लस ए बी सी में क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, बी सी एन एसेट पोर्टफोलियो, मतलब अगर 10 एसेट दे दूंगा, एसेट वेट वन स्क्वायर वेट टू वेट वन स्क्वायर सिग्मा वन स्क्वायर वेट टू स्क्वायर सिग्मा टू स्क्वायर वेट थ्री स्क्वायर सिग्मा थ्री स्क्वायर वेट फोर स्क्वायर सिग्मा फोर स्क्वायर, सारा वेट स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर, और 10 एसेट में क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 वैसे करके राइट right? और 1 2 और 2 1 तो सेम ही हो जाएगा, तुम कोवेरियंस 1,2 करो या कोवेरियंस 2,1 करो, बात एक ही है। इसीलिए इफ यू फाइंड आउट अ जनरलाइज फॉर्मूला, फॉर्मूला देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझो सपोज तुम्हारा दो एसेट पोर्टफोलियो है, वेट तो मतलब दो एसेट मतलब वन, या तो आई विल बी वन और टू एंड जे विल बी वन और टू, वन लोगे फिर इसको वन फिर इसको टू लोगे फिर इसको टू लोगे फिर इसको वन इसको टू लोगे, काउंटर्स ऐसे ही वर्क करता है ना, सिग्मा वन टू एन मतलब क्या, वन से लेकर एन तक सारा नंबर्स का सिग्मा, और यहां पे दो दो काउंटर दिया है और एन टू बता दिया है, तो वन टू और ये अंदर का वन टू, क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, वन 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 टू टू वन टू टू, ये वन है तो वन 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 टू टू वन टू टू, फॉर्मूला कैसे वर्क करेगा देखेंगे, वेट वन स्क्वायर वेट वन इंटू वेट वन इज वेट वन स्क्वायर, कोवेरियंस ऑफ 1,1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई करके देखो, कोवेरियंस x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार बाय एन, कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं, कोवेरियंस ऑफ एनीथिंग विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू वेरियंस ओनली, नाम देखो कोवेरियंस, किसी और चीज के साथ वेरियंस, अपने आप के साथ वेरियंस इज वेरियंस, कोवेरियंस, कोवेरियंस एक्स कॉमा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर एक्स, कोवेरियंस ऑफ एनीथिंग विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू वेरियंस ऑफ एक्स, यहां पे 1 1 1 2 2 1 2 2 करोगे तो क्या होगा, वेट 1 वेट 1 वेट 1 स्क्वायर इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर, जब ये 2 2 होगा तो वेट 2 इंटू वेट 2 इज वेट 2 स्क्वायर इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर, और वेट 1 इंटू 2 इंटू कोवेरियंस 1,2 प्लस वेट 2 इंटू वेट 1 इंटू कोवेरियंस ऑफ 2,1 इज द सेम थिंग, दैट इज 2 कोवेरियंस, दैट इज 2 डब्ल्यू 1 डब्ल्यू 2 कोवेरियंस 1,2, एसेट 3 होगा तो खुद सोचो क्या क्या आएगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 ऐसे आएगा ना, इसको 1 लिए फिर ये 1 2 3, इसको 2 लिए फिर इसको 1 2 3, फिर इसको 3 लिए फिर इसको 1 2 3, क्योंकि I भी 1 से 3 था J भी 1 से 3 था, वेट 1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर वेट 2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर वेट 3 स्क्वायर सिग्मा 3 स्क्वायर, करेक्ट, वेट इनटू कोवेरियंस ऑफ द सेम थिंग, वेट 1 कोवेरियंस 1,1 इज वेट 1 स्क्वायर इनटू सिग्मा 1 स्क्वायर, ये करेक्ट है, 1,2 और 2,1 को कंबाइन करो, वेट 1 इंटू वेट 2 इंटू कॉब 1,2 प्लस वेट 2 इंटू वेट 1 इंटू कॉब 2,1 इज द सेम एज वेट 1 इंटू वेट 2 इंटू कॉब 1,2, दो बार 1,3,3,1 दो बार 1,3,1,3 या 3,1 वेट 1 इंटू वेट 3 करो या वेट 3 इंटू वेट 1 करो, बात तो एक ही होगा, और ये क्या है 2,3,3,2 वर्क कर रहा है फॉर्मूला, जनरलाइज हो गया, तो अगर तुम्हारे पास एन एसेट है 1,2,3,4,5,6,7,8 वेट स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर और कोवेरियंसेस कितना होगा एन सी टू कोवेरियंसेस
10 में कितना यूनिक कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, 1 2 1 3 1 4, मतलब 10 एसेट्स है, कितना यूनिक कॉम्बिनेशंस ऑफ 10 एसेट्स पॉसिबल है आपस में, 10C2 कॉम्बिनेशंस, सो 10C2 कोवेरियंसेस विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, थोड़ा हैवी हो गया है, यहां तक रखते हैं, यहां से वापस नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, यहां तक लेकिन पढ़ गया, ठीक है।